कंप्लेन आई कि हम गलत एस्ट्रोलॉजर तक पहुंच गए हमारा पैसा बर्बाद हो गया हमारे पास हेल्थ की इश्यूज के साथ भी लोग गए थे जिसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ बहुत सारे हमारे पास ऐसे लोग आए जिनने बहुत सारी चीज़ें करी बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ और वहीं पे हमने एक नोटिस करा जो हमारे पॉडकास्ट के नीचे कमेंट्स आ रहे थे वो ऐसे आ रहे थे कि त्रिश्लाम को वापिस लाओ त्रिशलाम को वापिस लाओ तो कुछ तो कनेक्शन होगा सो so, हम ले आए एंड हम चाहते हैं कि हम अगले साल के लिए 2024 आ रहा है सो so, कुछ ऐसे चौबीस उपाय या फिर ज़्यादा भी अफकोर्स क्योंकि आप जब बोलने लगोगे तो मेरे को पता है मैं पूछता ही जाऊँगा मैं सुनता ही जाऊँगा और सेम ऑडियंस <laughs> तो हम स्टार्ट करते हैं चौबीस उपाय दो हजार चौबीस के लिए और इसके बाद जो जाता है वो सिर्फ ठाकुर जी संभाल सकते हैं <laughs> वो हमारे हाथ में भी नहीं है हाथ में सो गो नाम देखिए पहली बात तो ये है वरुण कि ये जो न्यू ईयर वाला कॉन्सेप्ट है ये हमारी भारतीय संस्कृति का है ही नहीं हमारा तो साल ऑलरेडी बदल चुका और हमारा तो अब नववर्ष जो आएगा वो अप्रैल में जब हमारे नवरात्रे, नवरात्र तब आएगा तो हम तो जो प्रिडिक्शंस करते हैं उस समय वो हम तब करते हैं जब माँ के नवरात्र चालू होते हैं तो माँ किस सवारी पर आ रही हैं उस समय कौन सा नक्षत्र जो है वो उस समय बहुत ज्यादा हमें देने वाला है जी। और उस साल का राजा कौन है मंत्री कौन है उसके हिसाब से बात की जाती है और 2024 की अगर मैं बात करूं तो हाँ बहुत सारी चीजें हैं अब लोग काम कर रहे हैं और नए नए बच्चे हैं तो कुछ नया नया इन्वेंट करते रहते हैं ये बात बिल्कुल ठीक है कि कुछ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक हम बहुत सारी चीजों को बता सकते हैं okay. है ना हम प्रिडिक्शन भी दे सकते हैं जी. लेकिन इसके अंदर हम अगर ज्योतिष को जोड़े या ज्योतिष के हिसाब से बात करें तो वो थोड़ा सा मेरे लिए टिपिकल हो जाता है okay. वो इसलिए क्योंकि मैं बात करती हूँ हमेशा ग्रहों की मैं बात करती हूँ आपसे हमेशा अपने आध्यात्मिक के साथ में अपनी साइंस को जोड़ने की जी। तो मेरे लिए ये बड़ा मुश्किल है कह पाना कि फर्स्ट दिसंबर को चेंज क्या आ रहा है है ना क्योंकि वो सिर्फ तारीख बदल रही है वो एक तारीख बदल रही है या एक मंथ बदल रहा है अब अगर आप मुझे ये कहिए कि आप सकरात के बाद क्या चेंज आने वाला है वो बताएंगी तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी आप मुझे कहेंगे कि शनि का राशि परिवर्तन हुआ मैम आप बताएंगे या शनि अब जैसे नक्षत्र चेंज करने वाले हैं 2024 में आप प्रिडिक्शन देंगे मैं 100 परसेंट प्रिडिक्शन दूंगी और आपको वो चीज कहीं ना कहीं आपके साथ होती दिखाई भी देगी पर चूंकि देखिए कि हर चीज का ना हमारे यूनिवर्स में आपस में संबंध होता है जी। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपका एक साल खत्म होके जैसे ये केतु का साल था जी। ये खत्म होके अब शनि का साल चालू हो रहा है तो उसके आधार पर हम नए साल में क्या क्या चीजें करें वो हम बात कर सकते हैं हम बात कर सकते हैं कि इस साल के अंदर जो जो परिवर्तन आएंगे गुरु चेंज होंगे शनि का नक्षत्र चेंज होगा ग्रह बहुत सारे चेंज होंगे उनके हिसाब से हमें पूरे साल के अंदर ऐसी कौन सी रेमेडीज करनी चाहिए जिससे हमारा जीवन सुखद रहे और कुछ भी बदले कुछ भी सपोज करिए कि हर महीने ही हमारे सूर्य देव राशि परिवर्तन करते हैं जिसे हम संक्रांति कहते हैं जो हमारे चंद्रमा है वो हर ढाई दिन के बाद में राशि परिवर्तन करते हैं है ना तो हमारे नौ के नौ ग्रह देवता जब अपना कुछ भी चेंज करें नक्षत्र राशि कुछ भी तो ऐसी रेमेडीज जो हमारी सबके साथ लगे सब राशि वालों को लगे स्त्री पुरुष सबको काम करे तो ऐसी चीजों पर हम चर्चा कर सकते हैं और नेचुरल बात है देखिए ये संस्कृति हमारी ही है, है। हमने ही प्रारंभ करिए कि हम छोटी छोटी चीजों में उत्सव मना लेते हैं जी ठीक है होली आई तो हम रंगों से खेल लेते हैं दिवाली आई तो हम दिए जला देते हैं है। बसंत आया तो हम एक उत्सव मना लेते हैं है। पूर्णिमा को तो हम एक उत्सव मानते हैं अमावस तो हमारे लिए एक उत्सव है तो हम तो वो हैं कि हर एक चीज के अंदर उत्सव मनाते हैं चांद दिख जाता है तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा उत्सव हो जाता है एक छोटा सा तारा उसको देखना भी हमारे यहाँ त्योहार हो जाता है जी और नॉट जस्ट हमारे ही हम बाकियों में भी इतने खुश होते जैसे अब क्रिसमस आ रहा है जी तो बहुत सारे लोग क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं जी हमें बस मजे करने, मज़े करने। तो ये जो खुश होने का उत्सव मनाने का जो सारी चीजें हो रही हैं वो हमारी ही संस्कृति है हम ही ने इसका एक तरीके से आरंभ करना चालू किया था फिर लोगों को भी समझ में आया बाकियों को कि अरे हाँ क्यों नहीं मना सकते बेवजह भी मना सकते हैं तो हम ये भी मनाएंगे हम वो भी मनाएंगे फिर बड़े सारे डेज बन गए तो अच्छी बात है तो उसके अंदर अब ये न्यू ईयर वाला बात करें हम तो नया साल आ रहा है नई उमंगे हैं लोगों के लिए एक नई होप्स जागृत हो रही है। हैं। हाँ और बहुत सारे घरों में तो आप देखेंगे कि अभी इस टाइम पर लंबी लंबी एक लिस्ट बनी होगी नए साल से मैं ये बिल्कुल करना छोड़ दूंगा हाँ, नए का साल में मैं ये जरूर ये करूंगा तो एक बहुत बड़ी बड़ी अभी वादे चल रहे है रहे। तो ठीक है कोई बात नहीं हम उस पर भी बात करते हैं कि जब हम कुछ नया करने की सोचते हैं हमारे मन ने हमारी आत्मा ने हमारे दिमाग ने सोच लिया कि एक बदलाव है तो वो बदलाव है तो इस हिसाब से अगर देखो तो हर दिन ही एक नया साल है और हर दिन ही एक नया उत्सव है तो जब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम इस दिन जश्न मनाएंगे हम पुरानी चीजों को बाय बाय करेंगे और नई चीज को हम एक्सेप्ट करेंगे उसका वेलकम करेंगे स्वागत करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं भी न्यू ईयर सिर्फ इसलिए ही मनाती हूँ ये वाला कि मुझे यह कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है कि जो पुराना गया उसको बाय बाय करिए अब वो लौट हाँ। के नहीं आएगा और जो नया आ रहा है उसका दिल से बाहें फैलाकर स्वागत करिए कि अब जो आ रहा है ना वो इतना अच्छा आ रहा है कि अब हम उसमें कुछ बहुत बड़ा करके दिखाएंगे इट्स अ पॉजिटिव वे है ना right, तो उसी के लिए हम अपनी ऑडियंस को कुछ नया देते हैं बट ऑडियंस को जैसे आपने कहा कि ये शनि का साल है सो वो कैसे किया अब कि हम एक जैसे बहुत सारी ऑडियंस है जिनको नहीं समझ आएगा कि क्यों शनि जी का साल सो so, दो हजार चौबीस जी टू प्लस टू प्लस फोर इज इकल टू एट।, एट एट जो होता है वो शनि का नंबर होता है। ओके ठीक है यहाँ तक ऑडियंस को क्लियर हो गया अब हम स्टार्ट करते हैं ठीक है हैं रिलेशनशिप्स रिलेटेड कि रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं डिवोर्स हो रहे हैं घर में चार लोग हैं तो भाई बहन में झगड़े हो रहे हैं और रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत सारे तो आते हैं तो ऐसा करते हैं बेटा अपन स्टार्ट करते हैं जी और अपन उसी को डिवाइड कर लेते हैं हंड्रेड परसेंट अपन भाई ठीक है 2024 आ रहा है लेकिन मेरे साथ कोई आपका ऐसा वादा तो नहीं है कि मैं 24 दे के ही हट जाऊंगी मैं 40 भी दे दूंगी अस्सी भी दे दूंगी <laughs> आपको मुझसे जो मिल सकता है आपका फायदा हो सकता है मैं और वरुण पूरी कोशिश करते हैं कि हम आपको उसका दस गुना ज्यादा देने की 100%. अपनी पूरी की पूरी प्रयास और अपनी कर्म करें तो हम चालू करते हैं आपको उसमें से जो आपके काम का लगे वो आप अपने पास लिख कर रख लीजिए मैं अपने चैनल पे भी बोलती हूँ आज आपके चैनल पे भी बोल रू कॉपी पेन उठा लीजिए और लिखना चालू करिए जब हम कोई चीज लिखते हैं ना तो उसका संबंध सीधा हमारे मस्तिष्क से होता हुआ हमारे यूनिवर्स से जुड़ जाता है right. और वो चीज कहीं ना कहीं हमारे जीवन पर प्रभाव डालती ही डालती है hmm. ठीक है बोलना और ये लिखना ये दो अपने आप में भी आएंगे सारे काम करते सारे हैं। आप काम कर रहे हो तो फील टच भी हो रहा है आपकी नसें भी जागृत होती है ना तो आप अपनी कॉपी और उठाइए, एक बढ़िया चाय का ग्लास लीजिए right. बैठ जाइए मुझे और वरुण को सुनते जाइए और आपके मतलब का जो भी आपको यहाँ से खजाना मिले उसे आप बटोरते जाइए तो हम प्रॉब्लम्स वाइज चालू करते हैं जी. और फिर कुछ एक्स्ट्रा ठाकुर जी दिखाएंगे तो दे देंगे क्या दिक्कत है ऑल्सो एडिंग ऑन जो आपके लिए पटारे में से निकलने वाला है वो तो आप लिख लीजिएगा और जो आपको लगता है कि यार ये मेरे दोस्त को जरूरत है ये मेरे फैमिली में किसी को जरूरत है तो प्लीज शेयर जरूर करिए क्योंकि हम लोग चाहते हैं जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हम लोग वो सब तक पहुंचे जो एक्चुअल में नीडी है क्योंकि ये एंटरटेनमेंट तो बहुत सारे लोग एज एंटरटेनमेंट भी देखते हैं कि यार हमारे कुछ नया सीखने को मिला बट जिनको एक्चुअल प्रॉब्लम है उनको बहुत मदद मिलती है जो हमने कमेंट्स में और पर्सनली मेरे को इतने व्हाट्सएप तक लोग पहुंच जाते हैं मेरे कि त्रिशला मैम आप कब जा रहे हो हमारी ये प्रॉब्लम है आप प्लीज पूछना <laughs> ना हम ले ले पॉसिबल so, नहीं है नहीं तो फिर कम से कम चार घंटे का या पांच घंटे का एपिसोड बनेगा नहीं नहीं कोई बात नहीं, अगर आप ये भी चाहेंगे तो हम कभी ऐसे भी छोटे छोटे आपके लिए वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे जिसमें आपके यहाँ जो बच्चे पूछना चाहेंगे उसमें से हम कुछ सिलेक्टेड बच्चों की कुंडलियां लेंगे और उनको हम डिस्कस करेंगे अगर बच्चे ऐसा चाहेंगे तो चलिए हम वो भी करेंगे कोई बात नहीं <laughs> मैं नीचे फॉर्म डाल दूंगा सो आप वो फॉर्म में जाके कुंडली अपनी भर सकते हैं जो भी आपको क्वेश्चन और सारी चीजें परफेक्ट इसी पर लेकिन चालू करने से पहले जब आपने ये बात बोली है तो मैं भी आपको बता दूं आपके प्लेटफॉर्म से मेरे पास कोई बच्चा आया था हमने जो भूत प्रेत वाला किया था उससे उन्होंने मुझे कॉल किया जी और उन्होंने मुझे बताया कि मेरे घर में ऐसा ऐसा दिक्कत चल रहा है मेरे को कोई चीज़ अनुभव नहीं होती है लेकिन मेरे ब्रदर हैं मेरी सिस्टर हैं मेरी मदर हैं उनके ऊपर उस चीज़ का बहुत गहरा प्रभाव है ओके okay. और उन्होंने पूरा एनालाइज कराया सब कुछ कराया उनको रिलीफ मिला उस चीज़ से उन्होंने आगे किसी को ये बात शेयर की कि हमने उनसे ये बात करी थी उनसे अपना सॉल्यूशन कराया था तो हमें इससे फर्क पड़ा उन्होंने आगे किसी को मुझे रेफर किया उनका मेरे पास मैसेज आया कि आपने उनका काम किया था उन्होंने आपका नंबर दिया है तो मुझे भी अपने बारे में जानना मुझे भी सेम चीजें फील होती है। जो हैं जो सिम्टम्स हमने डिस्कस करे थे जी लेकिन उनके साथ क्या था उनके साथ पैरानॉमनल नहीं था ओके उनके साथ जो था वो राहु की वजह से और कुछ ग्रहों की वजह से था तो ये चीज मैंने उनको जब क्लियर करी कि आपको वैसा नहीं है जैसा उनके साथ था उनके साथ तो सच में था okay. लोगों को मजाक लगता है वरुण आप सोच नहीं सकते जो इन चीजों से भुगत रहे हैं ना उनके चेहरे की हंसी चली जाती है उनकी जिंदगी सूख जाती हैं जब वो परेशानियों में आते हैं पीड़ाओं में आते हैं हम तो यहाँ हंसी मजाक में बातें कर लेते हैं सब कुछ कर लेते हैं लोग ना जाने कितने कमेंट्स कर देते हैं अरे ये सब नहीं होता भगवान करें आपके साथ कभी ना हो हम तो खुद कहते हैं कि ईश्वर ठाकुर जी कभी ना करें आपके साथ हो लेकिन जिसके साथ है ना आप उससे जाकर पूछे कि यह क्या होता है ठीक है इतना आसानी से बोल देना इतनी उस पर बात कर लेना और जब हम उसका सॉल्यूशन करते हैं तब हम जानते हैं कि हम उस समय सर पर कफन बांधे होते हैं हमें ये नहीं पता होता कि इस काम को करने के बाद हम जिंदा रहेंगे भी या नहीं रहेंगे hmm. अगर वो कोई इतनी स्ट्रांग एनर्जी हुई अगर हम उससे नहीं फाइट कर पाए तो हम वहीं पे उसी पल हम खत्म है क्योंकि वो हमारे ऊपर हावी हो जाएगा hmm. तो जब मैं या मेरे हस्बैंड इन चीजों के बारे में बात करते हैं किसी के सॉल्यूशन के लिए बात करते हैं तो हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के यही कहते हैं कि पता नहीं अब अगले पल हम एक दूसरे के साथ होंगे या नहीं तो जो लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं ना वो प्लीज ये भी समझिए कि हम भी सरहद पे खड़े उस सेनापति की तरह ही हैं जिसको ये नहीं पता कि अगली गोली उसको उसके परिवार के पास जाने भी देगी या नहीं जाने देगी वी हैव लॉट्स 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 ऑफ फिजिकल इंजरीज आप सोच नहीं सकते आप अपनी ऑडियंस को अगर सच में बताएं तो मैं आपको दिखाऊंगी आज कि हम लोगों ने क्या क्या झेला है।, है कितने ऑपरेशन, कितना सब कुछ और फिर जब किसी को नई ज़िंदगी देते हैं ना उससे जाकर पूछिए कि क्या होता है राइट आई फील कि जितने लोग एक्चुअल में इन चीज से जूझ रहे होते हैं वो ये चीज जब भी पॉडकास्ट चलता है वो कमेंट करने के बजाय वो सीधा पहुंचते हैं आप लोगों तक क्योंकि वो इतने परेशान है अगर सेम सिचुएशन मेरे घर में किसी पे या मेरे आसपास हो तो मैं कमेंट नहीं करूँगा पॉडकास्ट देख के मैं पहले रीच आउट करूँगा कि सॉल्व करूँगा और ये प्रोसेस ऑफ कोर्स लंबा होता है तो कोई आगे आपको ये वापस नहीं आके बता रहा कि हमने किया क्योंकि आप प्रोसेस में है बट जो जिसने कभी देखा ही नहीं जिनके आसपास कभी हुआ ही नहीं वो कमेंट करके चले आते हैं हंस के चले आते हैं कि क्या फालतू की बातें हो रही हैं सो मैं कंटिन्यू इसको इसलिए कर रहा हूं कि जब मेरे को लोग पर्सनली मिलते हैं या फिर व्हाट्सअप पे मैसेज डालते हैं कि ये हमने बात करी मैम से या हमने बात करी किसी से और एक्चुअल में रिजल्ट मिला तब मेरे को लगता है कि नहीं इसको और कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे अगर सौ नेगेटिव कॉमेंट है तो दो जो पॉजिटिव कॉमेंट है जिनकी लाइफ चेंज हुई वो मेरे सौ नेगेटिव कॉमेंट को वेव ऑफ कर देते हैं और ऐसे और ये इतनी दर्दनाक प्रोसेस होती है सच बोलू वरु कि उसके बाद ना कोई कमेंट छोड़िए कभी जिंदगी में याद भी नहीं करना चाहता कि हम किस चीज से निकल कर आए उसको सोचने भर से ना इंसान खौफ में आ जाए कि हमने क्या देखा है तो मैं तो इसलिए आप लोगों को कहूंगी आप लोग मजाक में भी ना इस चीज को मजाक मत लीजिए क्योंकि ये सिर्फ किस्से कहानियां नहीं है जो इसको भुगत रहा है ना उनके पेन को कभी सुनने की कोशिश करिए आपको पता चलेगा उनके घर से क्या चला जाता है उनके यहाँ कोई त्योहार नहीं रह जाते कोई खुशियां नहीं रह जाती इंसान उनका अपना नहीं रह जाता और वो क्या क्या सफ़र करते हैं ना, ये सिर्फ वो जानते हैं। तो आज हम हम इसीलिए इस बारे में बात करने आए कि परेशानी का रास्ता कोई भी हो किसी भी रास्ते से चल के परेशानी आपके पास आई है समाधान समाधान पर आज बात करेंगे और हम मैं और वरुण मिलके सबसे पहला संकल्प यही ले रहे हैं इस 2024 का कि हम आप लोगों को हम दोनों के माध्यम से आपके घर वालों को हम दोनों के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा 2024 में पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं हंड्रेड परसेंट तो हम टॉपिक वाइज उठाते हैं जी। ठीक है प्रॉब्लम्स वाइज उठाते हैं हुँ. और यकीन मानिए दिल से करेंगे ठाकुर जी का नाम लेके करेंगे तो 2025 में आप मुस्कुराते हुए हमारे पास आएंगे। right. ठीक। सबसे पहले हम लेते हैं जब बात ही तंत्र मंत्र की और इसकी चल गई है तो शुरुआत ही इसी से कर लेते हैं जी। जिसके ऊपर तंत्र मंत्र हो जिसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी हो जिसके घर के अंदर या जिसके आ, घरों के बाहर लोग कुछ उल्टी सीधी चीजें डाल जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर कुछ किया कराया है नजर दोष है तो उन लोगों को क्या करना चाहिए चूंकि देखिए ये शनि का साल आ रहा है और शनि अपने आप में न्याय के देवता हैं तो सबसे पहले तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप बाय सोल आप बाय थॉट्स आप बाय कर्मास बहुत प्योर आत्मा है बहुत प्योर इंसान है आप किसी के लिए कभी बुरा नहीं चाहते आपने मन वचन कर्म से कभी किसी का बुरा नहीं चाहा जाने अनजाने की बात अलग है आपने हमेशा दूसरों के भले के लिए ही सोचकर काम किया है तो ये साल आपका है और इस साल के राजा आप है कर। क्योंकि आपके पिछले जो भी कर्म रहे हैं खास करके पिछले साढ़े नौ सालों के ओके ठीक है पिछले साढ़े नौ सालों के जो आपके लाइफ में कर्म रहे हैं उसका अब आपको इस साल में भुगतान मिलना है ओके तो जिनके अच्छे हैं उनको तो अच्छा मिलना है जिनके अच्छे हैं उनको बहुत अच्छा मिलना है जो लोग ऐसा कहते हैं कि हमने बहुत पूजा पाठ करी हमने बहुत दान पुण्य करा हमें उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला तो देखिए क्या होता है कि हर चीज को देने के लिए ना उनका अपना एक पर्टिकुलर राजा है जी। जैसे कि अगर आप कोई राजसिक काम कर रहे हो तो उसका आपको प्रतिफल तभी मिलेगा जब आपके पास में सूर्य किसी ना किसी तरीके से आपके लीडर बन के आ जाएंगे ओके okay. प्लीज इस चीज को अदरवाइज मत लीजिएगा मैं एक सिर्फ सिंपल सा एक एग्जांपल एक दे रही हूँ फिर बोल रही हूँ एक एग्जांपल एक दे रही हूँ सपोज करिए मैं बहुत धार्मिक स्त्री हूँ मैं ठाकुर जी को बहुत मानती हूँ मैं उनको बहुत पूजती हूँ अब मेरे यहाँ पर शासक जो आ गया मेरे देश के अंदर वो ऐसा आ गया जो ठाकुर जी का विरोधी है okay. या जो मेरे धर्म का विरोधी है हुँ. तो वो मुझे क्या दे पाएगा मेरे किए का फल नहीं मेरे पुण्यों का फल नहीं वो तो ये चाहेगा कि ये ठाकुर भक्त इसको मार दो इसके ठाकुर जी से इसको छीनो और फेंक दो या बहा दो क्यों क्योंकि उसको मेरी उस चीज से इरिटेशन होगी और इसके ही विपरीत अगर कोई साधु संत या कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल उसमें हो जुड़ा हो भगवान के साथ तो वो क्या चाहेगा नहीं 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 इनको एक अलग स्थान प्रदान कर दो ये ठाकुर जी की भक्त है इन्हें ठाकुर जी के साथ छोड़ दो इनके लिए दो फैसिलिटीज और दे दो है ना तो जाकी रही भावना जैसी वो वाली बात जी। इसी तरीके से आप जो भी कर्म करते हैं जिस भी फील्ड में करते हैं आपका उस फील्ड का मालिक या राजा ग्रह है। अगर आपके साथ आ गया तो आपको वैसी चीजें मिलना चालू हो जाता है जैसे कि 2024 जज वकील डॉक्टर्स इनके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है ओके, ठीक है ठीक है, बहुत सारी चीजों में नए बदलाव आने वाले हैं लेकिन अगर मैं उसी में दूसरी चीजें बोलूं, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी या कहीं ना कहीं देश की हालत या लोगों का आपस में काम करने का तरीका वर्कर्स द्वारा आपके नीचे लोगों द्वारा जॉब हाँ उनके द्वारा आपको दिक्कत आनी चालू हो जाएगी ओके ओके ठीक है तो जो लोग लेबर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है जिनका काम लेबर से बहुत चलता है वो लोग थोड़ा सा इस साल परेशानी में रहने वाले हैं ठीक है अब वो इस चीज को ये ना जोड़े कि हमारे ऊपर कुछ तंत्र मंत्र हो गया या हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया मैं इसीलिए आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते चल रही हूँ वैसे मेरे को पता है मैं इस पर बोलने लगूंगी ना अपन दो दिन और ऐसे ही बैठे रहेंगे पर चलिए जितना दे सकते हैं दे देते हैं तो हम बात कर रहे हैं तंत्र मंत्र की नजर दोष की अब ये कैसे लगता है क्या लगता है इसके क्या वो होते हैं इफेक्ट्स ये कैसे पता चलता है वो अपने पुराने वाले पॉडकास्ट से लोगों को पता लग जाएगा तो आप हमारा पुराना पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दिया ठीक है जिनके ऊपर ऐसी कोई चीजें हैं ऐसे लोगों को शनिवार के दिन एक पीले नींबू के अंदर पांच लौंग लगाकर हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा करानी है शर्त यह है आप नंगे पैर जाएंगे और ये चढ़ाने के बाद जब आप घर में आएंगे तो आप आकर सबसे पहले अपने पैर धोएंगे और अपने पैरों पर आप थोड़ा सा शुद्ध देसी घी लगाएंगे ये पूरी रेमेडी है ये आपको पूरी ही करनी है हर शनिवार ये आप जितना मैक्सिमम शनिवार इस साल में कर सकते हैं ओके वैसे तो ये दो या तीन शनिवार के बाद ही रिजल्ट दे देता है पर आपको अच्छा लग रहा है तो आप करते रहिए कोई बुरी चीज तो है दूसरा उपाय ये है कि आपको शनिवार के दिन एक आटे का दिया लेना है उसके अंदर आपको थोड़े से काले तिल डाल देने हैं, सरसों का तेल डाल देना है उसमें चार बत्तियां लगानी है रुई वाली उसके बाद उसको आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर रख देना है मुख्य द्वार पर रखने के बाद आपको तीन बार ताली बजाकर बोलना है फट फट फटे okay. ठीक है और आपको वो दिया ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे जलाकर वापस आ जाना है घर में घुसने से पूर्व आप घर के गेट के बाहर खड़े होकर अपने हाथ पैर धोकर तभी घर में घुसिएगा अपने घर के अंदर एक घी का दीपक जलाइएगा भगवान विष्णु को भगवान शिव को प्रार्थना करिएगा कि हमारे ऊपर जिस तरह की भी नेगेटिविटीज है उन्हें हमारे जीवन से हटाने का प्रयास करें तीसरा उपाय शनिवार की रात्रि में महाकाली के मंदिर जाइए वहां जाकर ग्यारह निबुओं से बनी हुई माला थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा सिंदूर लाल वाला सिंदूर मां को अर्पित करके आइए और आते समय आप मां के द्वार पर खड़े होकर मां का नाम लेकर तीन बार बोलिए जैसे बोलिए महाकाली की जय ऐसा आपने बोला उसके बाद आप तीन बार बोलिए क्लिम 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 okay. और आप अपने घर आ जाइए जो भी नेगेटिविटी होगी जो भी किया कराया होगा वो सारा का सारा खत्म ठीक है ये पीड़ित व्यक्ति करे जिसके ऊपर है तो बहुत अच्छा है अगर वो ना जा पाए तो उसका नाम लेकर उसकी मम्मी या उनके पिता या उनकी पत्नी भाई या बहन दादी नानी चाची नहीं कर सकती मेरा यही सवाल था कि भाई बहन या कोई कर नहीं कर सकते okay. ठीक अब जो पीड़ित व्यक्ति है वो नहीं जा पा रहा वो जाएगा ही नहीं क्योंकि उसके ऊपर तो चीजें नेगेटिव है वो नहाएगा नहीं वो उसकी चीजें खराब रहेंगी तब क्या करें तो चौथा उपाय इसका भी है हमारे पास शुक्रवार की रात्रि में आप उसके सिरहाने के नीचे एक रुपए का या पांच रुपए का सिक्का रख दीजिए ठीक है शनिवार को शाम को आप एक मिट्टी का कसोरा ले लीजिए यानी कि मिट्टी का एक पात्र ले लीजिए ठीक है उसके अंदर वो सिक्का डालिए उसके अंदर थोड़ा सा शहद डालिए और इसे ले जाकर चौराहे पर छोड़ाइए okay. अब इसके अंदर मैं पहले ही ऑडियंस को क्लियर कर दूं क्योंकि यहां पर कुछ नकारात्मक वर्ग आकर ये चीज दूसरों को करने से रोक देते हैं और इंसान डर जाते हैं ठीक ये जो आप किया कर रहे हो ना वो सारा कर रहे हो ये सिर्फ आपके जो चौराहे पर बैठे आपके क्षेत्रपाल हैं hmm. ये उनके पास जा रहा है वो इसको ले रहे हैं अब वहां से हजारों लोग भी गुजर जाए ना उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा टोना टोटका और हमारा कभी कभी गलती से पैर लग जाता है या फिर हमारी गाड़ी ऊपर से चली जाती है तो उसका कुछ नेगेटिव असर नहीं होता देखिए होता है चौराहे पे अगर हम पैर रख दे तो वो चीजें हमारे साथ आती हैं बहुत सारी चीज लेकिन इसके पीछे ना बहुत लंबा एक थ्योरी है okay. ये ऐसे ही नहीं है कि आपको यूं ही लग जाएगा या यूं ही आपके साथ हो जाएगा नहीं वो एक डर होता है इंसान को उस पर हम फिर कभी आपके पब्लिक को सारी नॉलेज देंगे बताएंगे कि क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए साइंटिफिकली भी इसका क्या वो होता है जी. सारी चीजें बताएंगे तो पर आज अपन खत्म करते हैं रेमेडीज हाँ क्योंकि हम बार बार ना अपनी चीजों से हट जाते हैं तो ये चार रेमेडीज हैं उन लोगों के लिए जिनको ऐसा लग रहा है कि भाई हमारी लाइफ में बहुत दिक्कतें हैं और हमारी ग्रोथ रुक गई है हमारे शारीरिक कष्ट खत्म नहीं हो रहे हैं खास करके वो लेडीज जिनको फिजिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं और उसमें भी उनको यूट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है वो ये काम जरूर एक बार करके देखें ओके okay. ठीक है अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्या लें बच्चों के लिए बहुत पूछते हैं पेरेंट्स कि बच्चों को बहुत कम उम्र में कैंसर जैसी बीमारी हो रही है और बहुत मतलब कि मैं मैं मेरी टीम बताती है क्योंकि डेली क्वेश्चंस पढ़ रहे होते हैं और मैं तो कहता हूँ मेरे तक तो मत पहुँचाओ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ तो मैं पढ़ता ही नहीं बट इतना मेरे को पता लगा है कि बच्चों से रिलेटेड बहुत सारे आ रहे हैं कि बच्चों को बहुत यंग एज में बहुत भयंकर बीमारियाँ हो रही हैं देखिए अगर बच्चों को बहुत यंग एज में बहुत भयंकर बीमारियाँ होती हैं तो माँ बाप को खास करके मदर को फादर इसके अंदर ना तब कर समर्थ हो करने के लिए तब फादर फादर अदरवाइज तो मैं ना करूंगी को कि उनको ये रेमेडी नहीं करनी है सिर्फ मदर ही करेंगी तो लगेगा ओके और ये भी पर्टिकुलर मैं आपको जो बता रही हूँ वो तेईस साल तक के बच्चों के लिए बता रही हूँ उसके बाद वाले बच्चों के लिए ये रेमेडी काम नहीं करेगी तो मेरी जो फिफ्थ रेमेडी है वो अगर बच्चों को साल की उम्र तक कोई भी शारीरिक कष्ट होता है फिजिकली वो परेशान होते हैं कोई बड़ी बीमारी होने को आसार उनको लगते हैं, या या हो जाती है, या कोई बड़ा ऑपरेशन उनके साथ होना हो तो उससे पहले आप ये रेमेडी एक बार जरूर करके देखिए आपको फ्राइडे को और सैटरडे को ये दो दिन लगातार करना पड़ेगा फ्राइडे को आपको शिवजी के मंदिर में जाना है वहां जाकर आपको कच्चे दूध के अंदर तिल डालकर काले तिल डालकर भोलेनाथ को अर्पित करने हैं ओम नमः शिवाय बोलते हुए okay. ठीक है और साथ साथ ही में आपको उनसे अपने मन की मनोकामना बोलानी है जी. शनिवार को सुबह जाकर उसी शिव मंदिर में मंदिर नहीं चेंज होगा उसी शिव मंदिर में शनिवार को मॉर्निंग में जाकर आपको एक घी का दीपक प्रज्वलित करके आना है अगर हो सके तो उसी घी के दीपक से आप उनकी आरती कर दीजिए ठीक है ठीक है अगर आप बड़ी लंबी आरती वहां ना कर पाए किसी कारणवश तो आप केवल कर्पूर गौरम करुणा अवतारम यह भी करके आ सकते हैं जी उसी दिन शाम को आपको वहां के पंडित जी से बात करनी है और अपने बच्चे के नाम से सरसों के तेल से रुद्रा अभिषेक करवाना है ओके तंत्र मंत्र परंत्र बड़े से बड़े असाध्य रोग आपका कोई दुश्मन अगर आपका कोई अरेस्ट कर रहा हो इससे अच्छा उसका उपाय नहीं होता और ऐसे बच्चे जो 23 साल से कम की आयु के हैं उन बच्चों को अगर उनके रोग पिटाने के लिए ये कंटिन्यू करना पड़ता है ना ये अगर आपने कर लिया तो आप मान के चलिए मैं आपको गारंटी वारंटी श्योरिटी दे सकती हूँ इस चीज की कि आपको 80 टू 90 परसेंट रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा बाकी टेन परसेंट उनकी कुंडली उनके कर्मास वो आपको रीड करवाने पड़ेंगे कि उससे क्या रह जाता है पर आप एक बार करके देखिए आप चाहें तो आप इसे हर महीने रिपीट कर सकते हैं लेकिन ये सिर्फ महीने में एक ही शुक्र और शनि के कॉम्बिनेशन में होगा ये नहीं कि एक महीने में चार बार कर लिए ठीक है छठा उपाय जो बच्चे परेशान रहते हैं पढ़ाई नहीं करते जिन बच्चों का बहुत गलत चीजों में मन लग जाता है मोबाइल में लगे रहते हैं जो बच्चे एडिक्ट हो गए हैं दारू के शराब के आ, ड्रग्स के स्मोकिंग के जो बच्चे पॉन एडिक्टेड हो गए हैं ठीक है जो बच्चे बहुत धमकियां देते हैं गुस्सा करते हैं जिद करते हैं ऐसे बच्चों के लिए उनकी मदर को सोमवार के दिन किसी भी अनाथ आश्रम में जाकर जी। चावल वहां पर भेंट करके आने चाहिए मैं दान नहीं कहूंगी क्योंकि वो एक अजीब सी बात होगी तो आप वहां पर अनाथ आश्रम में जाकर चावल देकर आइए उन बच्चों के नाम से ताकि वो बच्चे उसको ग्रहण कर सके और उसी हफ्ते में आप शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार की शाम को एक धागा बांध कराएंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोल के और वहीं पर आप एक सरसों के तेल का दीपक जला कराएंगे ये भी आपको महीने में एक बार करना है बार बार आप इसको तुरंत रिपीट नहीं कर सकते ये क्रिया भी आप सिर्फ एक बार करेंगे चाहे तो आप हर महीने कर सकते हैं पर आपको एक ही बार करना पड़ेगा एक महीने में हम्म करेक्ट ये हर राशि वालों के लिए है और हर लिंग के लिए है जी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ओके कोर्ट केसेस से रिलेटेड बहुत आते हैं कि झूठे कोर्ट केसेस में फंस गए हैं केस में उलझे जा रहे हैं पैसा बहुत खर्च हो रहा है और इससे रिलेटेड देखिए वन मैंने जैसे आपको बताया कि ये शनि इस बार अपनी पूरी वर्चस्व पे हैं अपनी पूरी न्यायिक व्यवस्था के साथ आएंगे तो जिन लोगों के ऊपर बहुत आ, ऐसे केसेस हुए हैं जो झूठे हैं जिनके अंदर उनकी कोई गलती नहीं है उनका कोई दोष नहीं है अपराध नहीं है फिर भी उनको पकड़ लिया गया है तो उनको न्याय जरूर मिलेगा ये मैं आपको गारंटी से बोल सकती हूँ पर फिर भी आ, आप अगर उसके लिए कोई उपाय करना चाहते हैं मंगलवार के दिन और ये आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा सात मंगलवार तक मंगलवार के दिन आप तंदूर में रोटी सिखवाएंगे और उस रोटी के आटे में आप थोड़ा सा मीठा डलवाएंगे ठीक है चाहेंगे तो आप गुड़ का पानी से ही वो आटा गुथवा सकते हैं नहीं तो आप उसमें चीनी डलवा दीजिए या भूरा डलवा दीजिए और उस रोटी को आप ऐसे लोगों को दीजिए खाने के लिए थोड़ा ही करिएगा क्योंकि ज्यादा मीठी रोटी कोई खा नहीं पाता तो आप ऐसे लोगों को दीजिए खाने के लिए जो मजदूरी करते हैं ठीक है जो मजदूर है ठीक है किसी भी साइड पे दूसरी अच्छा सब्जी या कुछ आप साथ में करना चाहते क्योंकि खाली रोटी तो कौन लेगा आपसे तो आप सब्जी और वो भी ऐड करा लेंगे लेकिन मेरी रेमेडी में सिर्फ रोटी है बाकी ऐड आप जो करना चाहेंगे वो आपका मन आपकी नियत दूसरी जो रेमेडी है इसके अंदर यानी कि आठवें नंबर की जो रेमेडी है देखिये आई भी कहाँ है आठवें नंबर की <laughs> रेमेडी वाह ये इसे कहते हैं ईश्वर का आशीर्वाद जो आठवें नंबर की रेमेडी है वो आपको मंगलवार के दिन ही करनी है आपको दुर्गा माँ के मंदिर में जाकर माता की मूर्ति पर एक लाल रंग की चुन्नी चढ़ानी है लाल रंग की मिठाई का भोग लगाना है और माता के सामने ही समक्ष बैठकर आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना है और आपका जो व्यक्ति अंदर बंधित है बंधन में है उस व्यक्ति को छुड़ाने के लिए आपको प्रार्थना करनी है ये कार्य तो आप कब करेंगे मंगलवार को इसी हफ्ते के शनिवार को आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जो चिड़ियाएं बेचता है जी, ठीक है और उससे एक पिंजरे में दो काली चिड़िया ले लीजिए ओके ठीक है और उसे लाकर आप सूरज की तरफ मुख करके अपना मुख आपका सूरज उस समय जहां भी सूरज हो अब मैं आपको पर्टिकुलर डायरेक्शन इसलिए नहीं बता रही कि पता लगे उस समय वो वेस्ट की तरफ वो आप शाम को ले आए तो जिस तरफ सूरज देवता हो उस तरफ मुक्त करके आप वो चिड़ियाओं को उड़ा दीजिए आजाद कर आजाद कर दीजिए ये आप महीने में दो बार भी कर सकते हैं ये उपाय ठीक है दो से ज्यादा नहीं हर चीज की ना एक लिमिट होती है आपने जैसे जब हम आज बात कर रहे हैं हालांकि हमारे पास इतनी बातें करने के लिए कि मुझे लगता है साल <laughs> खत्म हो जाएगा चलिए कोई बात नहीं हम जल्दी जल्दी बहुत सारी बातें करेंगे जी। मन भी तो करता है ना देने हाँ, का किसी का मन इतना छोटा है वो देना ही नहीं चाहता है उसके पास हमारा right. मन इतना बड़ा है हम तो सब दे देना चाहते हैं ले जाओ हाँ, हाँ। आ, भगवान ऐसे ही बनाए रखना <laughs> चलो तो आ, हर चीज की ना अपनी एक लिमिट होती है जैसे मैं आपको बताऊं कि जो चालीसा होती है ना वो चालीस दिन ही पढ़ी जाती है ओके जैसे हनुमान चालीसा तो हम इसे चालीस दिन पढ़ लीजिए हाँ वाह थोड़ा एक्सप्लेन करो

उस जो आपने किया है पाठ उसके नियमित आप जाकर मिठाई अन, वस्त्र जाकर आप गरीबों में बांट दीजिए ओके ठीक है एक हफ्ते का फिर ब्रेक दीजिए उसके बाद वापस चालू करिए ओके वैसे तो मैंने आपके पिछले पॉडकास्ट में भी आपको ये बात बताई थी कि अगर हम पूजा करते हैं और हम उसका संकल्प नहीं लेते तो वो जो हमारी पूजा है वो इंद्रदेव चुरा इंद्रदेव कर ले जाए अब मैं हर पूजा में ले ठीक है और एक इंद्रदेव नहीं है हमारे बहुत सारे इंद्रदेव हैं बात फिर डायरेक्शन बदल रहा है बहुत सारी चीजें हैं फिर मैं कहीं से कहीं पहुंच जाऊंगी बहुत सारे पॉडकास्ट आएंगे बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी टेंशन मतलब लो ये मत कहना माँ अधूरा ज्ञान दे के नहीं 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 सिर्फ आपको ज्ञान का एक छोटा सा डोर दिखाया है अब उसको खोल के अंदर का पूरा विवरण हम आपको बहुत जल्दी दे देंगे डोंट वरी टेंशन मतलब सारे दरवाजे खुलवा लूंगा और आप देख रहे हो कितना अवेयर कहीं भटके ना तो हम कितना एक्यूरेसी से चल रहे हैं हाँ तो ये रीजन होता है तो आप एक हफ्ते का गैप देके फिर वापस से चालू करा करिए तो क्या होता है कि आपको उस चीज के करे का पुण्य प्राप्त होता है वरना लोग ऐसा कहते हैं कि हम सालों से करे जा रहे हैं सालों से करे जा रहे हैं हमें उस चीज का इफेक्ट तो मिला ही नहीं हाँ। है ना ये चीज होती है जैसे कि अभी मैं एक रेमेडी देने वाली हूँ आपको वो अभी हम बाद में देंगे आई वॉन्ट मेगा रेमेडीज हम बाद में डिस्कस करें मेगा हाँ। रेमेडीज हम चौबीस होने के बाद करेंगे <laughs> तो अभी आप सुनिए पहले सारी ठीक है तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन ओके सो नेक्स्ट जैसे बहुत सारे लोग ना चोरी चकारी से बहुत जूझ रहे होते हैं जैसे फैमिली में चोरी हो जाती है और आजकल तो ट्रेंड है फोन गायब हो जाते हैं छीन के भागते हैं तो इसके लिए भी कोई रेमेडी है बिल्कुल है आपके पास आपकी जो भी चीज चोरी होती है वो कहीं ना कहीं आपके ग्रहों को प्रभावित करती है ओ, जैसे कि अगर आपका गोल्ड चोरी हो गया तो कहीं ना कहीं आपके गुरु के कारण होता है आपका फोन या आपका कोई गैजेट अगर गायब हो गया या चोरी हो गया हाँ कुछ भी कोई भी गैजेट तो ये आपके राहु और आपके शनि ठीक है, ओके। है? जी। तो बिल्कुल हर एक चीज की रेमेडी है अगर हम एक एक, एक, एक ग्रहों के हिसाब से बताएंगे तो बहुत वो हो जाएगा तो हम एक कॉमन बताते हैं जो हर ग्रहों पे काम करेगा और हर व्यक्ति पे काम करेगा अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बार बार लॉसेस हो रहे हैं आपकी चीजें बार बार चोरी हो जाती है लोग आपको धोखा देकर आपसे पैसा या चीजें लूट कर ले जा रहे हैं और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं आप परेशान हो चुके हैं तो आप सिंपल सा एक काम करिए शनिवार के दिन सात जोड़ी चप्पल लीजिए और किसी भी ऐसी जगह पर जाकर आप रख दीजिए जैसे कि आ, मंदिर हो गया गुरुद्वारा हो गया ऐसी जगह पर जाकर आप छोड़ दीजिए ओके okay. सिंपल रेमेडी बिल्कुल okay. सिंपल रेमेडी ये आप कर लीजिए इससे आपको बहुत राहत मिलेगी ओके एक बार करना ओके डन सो बहुत सारे मैं मेरे को फॉर्म ही याद आ रहे हैं जो लोग अपने परेशानी हमारे को फॉर्म में देते हैं कि आप ये पूछना एस्ट्रोलॉजर से तो बहुत सारे लोगों के शादियाँ लाइक एक ड्यूरेशन होती है जहाँ पे वो लड़की वाले लड़के ढूंढ रहे होते हैं और लड़के वाली लड़की तो सब कुछ प्रोसेस चल रहा होता है बट एंड में आके बार बार शादी का डिले होता रहता है कैंसिल होता है कुछ कुछ की तो रिंग सेरेमनी होकर भी टूट जाती है तो उन लोगों के लिए जिनका योग बनता भी और फिर टूट भी जाता है पूरा नहीं हो रहा देखिए मैं इसके अंदर भी आपको एक चीज बता देती हूँ ये जो आने वाला साल है ये साल लव एंड रिलेशनशिप वालों को बहुत पीड़ा देने वाला है ओके है ना और ऐसे लोग जो राहु के माध्यम से मिले हैं लाइक के सी डेटिंग ऐप हो ठीक है या किसी वेबसाइट के थ्रू जो लोग मिले हैं जिनका वहां से रिलेशन चालू हुआ है ऐसे लोग जो इंस्टाग्राम फेसबुक ऐसी चीजों से मिले हैं या जो ये वेबसाइट होती है मैट्रमोलियन टाइप हाँ 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 सब राहु सब राहु हिंदुस्तान गया डिप्रेशन में <coughs> नहीं नहीं डिप्रेशन में क्यों जाएगा रेमेडी करेगा रेमेडी करेगा बचा लिया बचा लिया डिप्रेशन में नहीं जाने का जब हम हैं तो फिर क्यों डरना समस्या कितनी भी हो समाधान हमारे पास है तो जब आप ऐसी किसी चीज के माध्यम से किसी से मिलेंगे इस साल मिलेंगे तो आपको एकदम से उसके साथ भरोसा नहीं करना आपको उस व्यक्ति को आजमाना है या आपको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पूरी तरीके से अपनी कुंडली उसकी कुंडली अपना फेस उसका फेस अपनी हस्तरेखा उसकी हस्तरेखा सारी चीज़ों का आपको विश्लेषण कराना है तब आपको निष्कर्ष करना है एकदम से प्रेम में पागल प्रेमी मत बन जाना कि नहीं नहीं हम तो जिएंगे तो मरेंगे तो साथ ही मरेंगे वरना तो कुछ नहीं नहीं तो मरेंगे <laughs> वो आपके लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा अगर आपने समझदारी के साथ ये चीजें करी तो आपको रियल पार्टनर जरूर मिलेगा जो आपके लिए सही होगा okay. ठीक लेकिन जिन लोगों की शादियां नहीं हो पा रही हैं उन लोगों के लिए दो रेमेडी देती हूं पहली रेमेडी तो ये है कि आपको मंगलवार के दिन देवी मां के मंदिर में जाकर सोलह श्रृंगार उन्हें चढ़ाना है Hmm. पहली रेमेडी तो ये है और दूसरी रेमेडी ये है कि उसी मंदिर में जाकर आपको शनिवार के दिन एक नारियल जटा वाला पानी वाला नारियल लेना है उसके ऊपर एक लाल रंग का कपड़ा बांधना है और उसे माँ को समर्पित करते हुए बोलना है कि मेरी कुंडली में मेरे ग्रहों के द्वारा मेरे कर्मों में जो भी दोष हो उसे दूर करो और मैं जिसके लिए बनी हूं या जो मेरे लिए बना है माँ उससे मुझे मिलवा दो ये एक रेमेडी है जो आपको लगातार सात हफ्ते करनी है बीच में अगर पीरियड्स आ जाते हैं या कोई बात आ जाती तो उसको स्किप कर दीजिए नेक्स्ट से वापस से काउंट चालू कर दीजिएगा ठीक है दूसरी रेमेडी ये है कि आपको सोमवार के दिन शिव पार्वती जी के मंदिर में जाना है जहां पर शिवलिंग होता है और साथ में पार्वती माँ होती है एक आपको मोली लेनी है कलावा आपको शिव जी के ऊपर से स्टार्ट करके माता रानी पर से घुमा के ऐसे सात बार बांध देना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि जैसे आप दोनों एक दूसरे के साथ हैं ऐसे जो मेरा जीवन साथी है जो मेरे लिए है उसे आप मुझसे तुरंत मिलवा दें ये रेमेडी लड़का भी कर सकता है लड़की भी कर सकती है और अगर वो दोनों ना कर पाए तो उनके बिहाफ पे उनके मदर फादर भी कर सकते हैं हम्म आपको पता लग जाता है मैं क्या पूछने वाला हूँ क्योंकि आप पहले ही सारा बता देते हो <laughs> मैं यही Sorry. पूछने वाला था कि जैसे मॉडर्न डे में आजकल क्या होता है कि बच्चे नहीं करते तो पेरेंट्स कर सकते और आपने पहले बता दिया कर सकते ओके गुड टू गो सो नेक्स्ट सवाल हम ले सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए जो आई ऑफिसर्स बनना चाहते हैं और यूपीएससी और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं बट बहुत ज़्यादा फेल होते हैं कि रिपीट कर रहे हैं और बहुत परेशान है वो हमको पूछते हैं कि तो है? इसके लिए सिर्फ एक रेमेडी देंगे और 11th की है हमारी। इसके लिए एक है। जब जब आई या कोई भी गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए आपका जो सक्रिय ग्रह होना चाहिए वो होना चाहिए सूर्य okay. सूर्य आपकी कुंडली में अच्छे होंगे तो वो आपको सरकारी नौकरी मिलाएंगे फिर उसके बाद जो उनके सहयोग में जो ग्रह होंगे जैसे कि मंगल अगर है तो वो आपको सेना में ले जाएगा ओके okay. ठीक है तो इस तरीके से फिर डिवाइडेशन हो जाता है पुलिस में ले जाएगा सेना में ले जाएगा है ना तो उसके साथ फिर सेकंड उनका कोऑर्डिनेटर कौन है उस पर बात करनी पड़ती है लेकिन जब हम बात कर रहे हैं पहले तो सरकारी नौकरी तो लगे हाँ. फिर उसके बाद बात करेंगे कि पुलिस में जाएंगे कि कहाँ जाएंगे तो पहली चीज उसको रोकने का कार्य सिर्फ और सिर्फ दो ही ग्रह करते हैं एक होता है राहू और एक होता है केतु ओके ठीक है जब आपको सरकारी नौकरी में जाना है और आप बहुत बार प्रयास कर चुके लेकिन बार 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 आपको दिक्कतें आ रही है, तो हैं तो आपको एक काले रंग के कपड़े के अंदर अभिमंत्रित करी हुई मच मणि और एक केतु मणि साथ में रख देनी है बांध के ओके। मच्छ मणि अभिमंत्रित और केतुमणि अभिमंत्रित देखिए बाजार से लाकर आप रख देंगे वो काम नहीं करेगी उनके अंदर वो चीज होनी चाहिए जिसको हम हटाना चाहते हैं जी। तो अभिमंत्रित होनी चाहिए काले रंग के कपड़े में उनको बांध के आप जाकर शनिवार के दिन शिव मंदिर में चढ़ा दीजिए हो गया आपका एक ही बार करनी वन टाइम बच्चों को पढ़ने दो जुरा हाँ, में मत घुमाओ आप एक बार रेमेडी करके बाकी टाइम सारा पढ़ाई करें जी ओके okay. सो so, मेहनत करें ऑफ कोर्स मेहनत करें और अच्छे से पढ़ाई करें और हमें मिठाई खिलाएं आईएएस बन जाएं डेफिनेटली ओके सो नेक्स्ट सवाल ये है हमारा जो लोग अ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस टाइम पे लाइक करंट सिचुएशन में जिनकी फैमिली में कुछ लोग हैं जो अभी कोमा में है आईसीयू में है वेंटिलेटर पे हैं और कंटीन्यूअस पैसे लगे जा रहे हैं क्योंकि हॉस्पिटल बहुत महंगे हो गए हैं और इतनी इनकम भी नहीं है घर की सो so वो इतने परेशान हैं उन लोगों के लिए कुछ देखिए ये आपने ना बहुत ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो अपने आप में एक बहुत बड़ी रिसर्च या अध्ययन है क्योंकि इस स्टेज तक पहुंचने के लिए पहले तो हमें ये देखना पड़ता है कि ये स्टेज आई क्यों है ये इसके ऊपर कुछ नेगेटिव चीज है इसलिए आई है या इसको किसी चीज में बंधक बनाया गया इसलिए आई है इसके ऊपर कोई तंत्र मंत्र हुआ है इसलिए आई है या ये जो व्यक्ति है इसका मार्केश या अर्ध मार्केश चल रहा है इसलिए आई है ओके okay. ठीक है और या ये किसी और की वजह से इस चीज में जब्त तो हो गया है थोड़ा एक्सप्लेन करो सपोज करिए हम एक गाड़ी के अंदर बैठे जी और एक की लिखी है कि उसका काल आ रखा है लेकिन भाई काल तो उसका तभी आएगा ना जब जबरदस्त वाला एक्सीडेंट होगा अब पता चला कि वो व्यक्ति तो गया जिसका काल आया था पर साथ वाले जो बैठे हैं वो ना जिंदा रह पा रहे हैं ना मर पा रहे हैं। उनकी स्थिति बड़ी अजीब है तो वो किसी और की नेगेटिविटी इतनी ह्यूज थी कि वो उनको भी पकड़ गई साथ में तो ये ना एक बहुत बड़ा अध्ययन का मेरे ख्याल से ये एक एस, अच्छे एस्ट्रोलॉजर से राय लेकर ही रेमेडी करनी पड़ेगी इसकी लेकिन इसकी बहुत छोटी सी रेमेडी मैं आपको बता देती हूँ लोग ऐसी कंडीशन में महामृत्युंजय जाप के लिए आपको रिकमेंड करते हैं मैं आपको एक जाप बता रही हूँ आप वो किसी अच्छे विद्वान पंडित से कराइए और उसको जिसको इसकी क्रिया भी साथ में करनी आती हो हूँ और ये जो जाप है ये है मृत संजीवनी पाठ ओके मृत संजीवनी पाठ इसको है ना क्रिया के साथ जब किया जाता है यह आप स्वयं नहीं कर सकते क्योंकि तो इसके अंदर बहुत सारे जिसे कहते हैं नियम कायदे हैं ठीक है और ये वही कर पाएंगे जिनको बहुत अच्छे से रुद्री कंठस्थ याद हो जिन्होंने बहुत पाठ रुद्री के करे होंगे और साथ में उनको ये पता होगा कि मृत संजीवनी क्या है और इसकी क्रियाएं कैसी होती हैं बैकफायर hmm. भी कर सकता है अगर गलत होता है नहीं पर बच्चा देखो ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं आप पंडित बैठा के करेंगे आप सब कुछ करेंगे और फिर अगर आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता तो फिर वो बेकार है ना hmm. Hmm. तो इस वजह से तो ये आप करवा सकते हैं और लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूंगी पहले आप किसी से राय जरूर लें एक जिन पे भी आपको ट्रस्ट है उन के पास जाएं और पहले ब्रीफ रीडिंग कराएं बिल्कुल ओके करेक्ट आ, एक एक तो नहीं बहुत सारे ऐसे सवाल थे बट एक किसी का मेरे को बिल्कुल प्रोमिनेंट याद है किसी वाइफ ने पूछा था कि उनकी सेक्सुअल लाइफ अच्छी है बट फिर भी बच्चे नहीं हो पा रहे तो इसके लिए भी कुछ होता है बिल्कुल होता है ओके okay. जिन पति पत्नी की आ, लाइफ बहुत अच्छी है लेकिन उसके बावजूद भी अगर उनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो पहली तो मैं वही चीज रिकमेंड करूंगी इसके अंदर क्योंकि ये सारे अध्ययन के पॉइंट हैं है okay. है ना तो इसके लिए सबसे पहली चीज तो यही है कि पति पत्नी दोनों की कुंडली देखी जाए कि दोनों की कुंडली के अंदर कहीं कुल दोष वंश दोष या पितृ दोष तो नहीं आ रहा हुँ. या उनका फिफ्थ हाउस किसी वजह से इंजर्ड तो नहीं हो रहा जी. या उनके घर में किसी ने कोक तो नहीं बांध दी कोक कैसे क्या कोक बांध दी जाती है जिससे आप कभी भी मां नहीं बन पाते ओ. क्रिया होती है जब शादी करके लड़कियां आती हैं नई शादी करके आती हैं तो उनकी साड़ी आपको किनारे से कटी हुई मिलेंगी उनके अंडर कटे हुए मिलेंगे छेद मिलेंगे पेटीकोट उनके कटे हुए मिलेंगे सलवारें उनकी कटी हुई मिलेंगी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से उनकी कोख बंद हो जाती है okay. पीरियड का जो पैड होता है ना इससे भी ये क्रिया करते हैं लोग okay. बहुत गंदा है और बहुत वैसा है ये लेकिन करने वाले कुछ भी करते हैं आप इस चीज को ये मत मानिए कि ये सिर्फ बातें हैं मैंने ऐसी ऐसी चीजें होती हुई देखी हैं कि इंसान ना विश्वास भी करे ना तो वो ये कहेगा कि भाई पर ऐसे टाइम पे एक ही सवाल आता है कि क्यों करते हैं लोग क्यों तो बहुत सारी चीजें हैं कहीं ना कहीं वो सामने वाले से जल रहे होते हैं चिड़ रहे होते हैं उनको अपना एक अधिकार खत्म होता हुआ दिखाई देता है कि अगर इसके बच्चे हो गए तो कल को मेरे बच्चों को कोई नहीं पूछेगा या कोई चाहता ही नहीं कि इनका वंश आगे बढ़े कोई पुरानी दुश्मनी चल रही है बहुत सारी चीजें कई कई केसेस में तो मैंने साइको देखे हैं ऐसे लोग क्यों करा है पता ही नहीं बस मजा आ रहा था कर लिया ठीक okay. है तो अगर ये सारी चीजें नहीं है तो जो मैं रेमेडी दे रही हूँ उससे उनको भला जरूर होगा उनका आप किसी भी एकादशी पे जाकर जी के मंदिर में एक नीम की लकड़ी का बना हुआ झूला पर उन्हें अर्पित कराइए और साथ में उनको ये आइए कि मेरे घर में जब भी छोटा लल्ला या लल्ली आएंगे तो मैं यहाँ पर आकर एक लड्डू गोपाल विराजमान कराऊंगी सबसे सरल सबसे इफेक्टिव और सबसे अच्छी रेमेडी और चाहो तो इसके साथ में आप ये भी कर सकते हो कि आप किसी विद्वान पंडित के द्वारा संतान गोपाल स्त्रोत्र का पाठ भी करा सकते ओके, ठीक है? जी। तो ये एक बहुत अच्छी सटीक रेमेडी है जो आप कर सकते हो इससे मैंने उन लोगों के भी घर में खुशियां आते देखी हैं जिन्हें डॉक्टर्स ने मना कर दिया वाह मैम टीन के बहुत सारे सवाल है कि एक तो स्कूल वालों के बहुत हम तो परेशान हो गए कि स्कूल में नाइन्थ क्लास में और वो पूछ रहे हैं कि हमारा सीरियस रिलेशनशिप का क्या है सीन बना रहा योग बन रहा नहीं बन रहा सो so, और कॉलेज वाले भी बहुत हैं और कुछ जो है जो जॉब कर रहे हैं उनका तो चलो समझ आता है कि अब एज भी है बट क्या होता है इसके पीछे भी कुछ होता है कि कोई योग होता है कुछ रेमेडी होती है कि जिनकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई या बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया या चीट कर रहा है क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और मैंने डेटा भी देखा क्योंकि इतने सारे सवाल थे तो हम हम रिसर्च करते हैं जब इतने सारे पॉडकास्ट कर रहे हैं तो जो अभी टॉप की एस्ट्रोलॉजी की एप्स चल रही हैं मार्केट में जितनी भी हैं उन सब का डेटा ये बताता है कि सबसे ज्यादा टीनेजर्स वहाँ पे जा रहे हैं और सिर्फ यही सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे रिलेशनशिप क्या है या हमारी गर्लफ्रेंड को वापस कैसे बुलाएं बॉयफ्रेंड को वापस कैसे बुलाएं और ये सारी चीजें और वशीकरण वशीकरण का टॉपिक भी यहाँ पे बहुत उठ रहा है तो मे बी या तो वो करवाना चाह रहे हैं बट क्या हो रहा है कुछ सब नहीं आ रहा

वशीकरण जैसी क्रिया बनी ही तभी के लिए थी जब आपके पास कोई और हथियार बचे नहीं तब आप उस हथियार से अपना घर बचा सकते हैं पर ये ये like, लाइक मेरे को आज तक सही नहीं लगा जैसे कि अगर मैं किसी के साथ हूँ देखिए मुझे एक चीज बताइए पहली बात मैं आपसे एक बहुत क्लियर सवाल पूछती हूँ आप एक लड़का है मैं एक लड़की हूँ तो मैं आपसे एकदम क्लियर सवाल पूछता हूँ आप किसी के साथ आठ या दस साल एक कमिटेड रिलेशनशिप में रहे हो आठ या दस साल आपने किसी को सिर्फ दिन रात यही सपने दिखाए कि पूरी जिंदगी हम एक दूसरे के साथ रहेंगे उस इंसान ने अपना हंसना गाना उठना बैठना रोना अपनी पसंद अपनी नापसंद अपना खाना अपने कलर्स अपने कपड़े वो सारी चीजें वो करी हैं जो आप करवाना चाहते हो ठीक है एक तरीके से अगर मैं प्यार को परिभाषित करूं तो हम अपनी नहीं हम अपने प्रेमी की नजर से ना दुनिया देखने लग जाते हैं hmm. ठीक है हमारे अंदर अंदर हम तो कहीं खत्म ही हो जाते हैं हमारे अंदर वही 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 विद्यमान हो जाता है ऑल द टाइम चौबीस घंटे आपके दिमाग के अंदर सिर्फ वही व्यक्ति रहता है hmm. मैं ये कर रही हूँ उसको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा hmm. मैं ये खरीद रही हूँ उससे पूछ लू पहले ये चीज ठीक है या नहीं है राइट आप पूरी दुनिया भूलकर आप एक व्यक्ति पे केंद्रित हो गए आपने किसी को अपना सब कुछ समर्पित कर दिया तन मन धन सब कुछ सब कुछ सब कुछ आपने दे दिया अब अचानक से वो व्यक्ति एक मोड़ पर आकर जितने साल बढ़ते जाते हैं ना अंदर से एक तसल्ली आती जाती है अब ये मेरा अभी मुझे छोड़कर कहीं नहीं सिक्योरिटी बढ़ती रहती है एक्सैक्टली exactly. है ना सालों की गिनती ये बताती रहती है देखा हम चार साल से साथ हैं देखा हम आठ साल से साथ हैं ऑल ऑफ द सडन एक दिन पता चलता है कि मेरा अब तुम्हारे साथ बैठता नहीं वो फीलिंग नहीं आ रही ठीक नहीं, नहीं। मेरे को नहीं समझ आता तुम अपना मूव ऑन करो मैं अपना मूव ऑन करता हूं वट इज दिस आप आठ साल किसी के साथ थे आप छह साल किसी के साथ थे वट एवर आप कितने मैं कहती हूं आप दो बीस दिन भी किसी के साथ थे आपने उस व्यक्ति के हृदय उसकी आत्मा को इस मोड पर लाकर खड़ा कर दिया कि अब वो पूरी जिंदगी जिंदा नहीं रह पाएगा वो मर गया उस वक्त बेशक उसकी बॉडी खड़ी है दुनिया के लिए मां बाप के लिए और लोगों के लिए उसे सरवाइव करना भी पड़ेगा वो मुस्कुराएगी या मुस्कुराएगा लेकिन उसके अंदर से क्या चला गया ना वरुण सिर्फ उस व्यक्ति के दर्द को कभी सुनना महसूस करना आपको पता चलेगा मैंने जिंदगी जीने वाले बच्चों को ना जीते जी मरते देखा है अब कंडीशन कैसी होती है आई डोंट नो मतलब बींग अ बॉय मुझे नहीं पता कि आप लोगों को भी सेम होती है या नहीं होती है लेकिन बींग अ फीमेल मैं तो ये चीज गारंटी दे सकती हूँ कि हमें तो होती है भाई नहीं लड़कों को भी होती है बींग मैं भी ये बता रहा हूं कि हम भी टूट जाते हैं ठीक है अब पता है हमारी कंडीशन कैसी होती है हमें इतने सालों किसी ने टच किया अब हम किसी और को अलाउ नहीं कर सकते अपने आप को टच करने के लिए घिन आती है नफरत होती है अपने आप से कि कोई देख भी क्यों रहा है हमें हम किसी और के यार तेरी हिम्मत कैसे हो रही है हमें देखने की अब आप एकदम से यह कह जाते हो कि तुम किसी और के साथ एडजस्ट हो जाओ मूव ऑन कर जाओ हाउ इज इट पॉसिबल आठ साल तुम्हारे को देने के बाद तुम नहीं हमारे हुए अब फिर आठ साल किसी को टेस्ट करें hmm. ट्राई हो गए क्या यार तुम्हें इतने साल की सच्ची मोहब्बत नहीं दिख रही तुम्हें इतने साल का प्यार नहीं दिख रहा तुम्हारे लिए वो पागलपन नहीं दिख रहा वो पागलपन दोबारा ला सकते हो वो पहली मोहब्बत वाला पागलपन दूसरी मोहब्बत में आ सकता है नहीं आ सकता कॉम्प्रोमाइज आता है आप सिर्फ उस व्यक्ति का एक फिलिंदा ब्लैंक्स पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हो जो वह स्थान रिक्त हो गया ना जिसकी वजह से टीस उठ रही है दर्द हो रहा है घुटन हो रही है आप केवल उस जगह को भर रहे हो बेटा किसी दूसरे से आप उसके साथ अटैच हो रहे हो आप उससे प्यार करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन सच्ची ईमानदारी से बोलू ना वो वाली वाइब्स नहीं आती दोस्त नहीं, नहीं मेरे को नहीं आप सोचो ना जिसके साथ हो रहा होगा वो कितना रो रहा होगा अब आप न्याय करके मुझे बताओ जो लोग कहते हैं गलत होता है आप इतने वशीकरण बताते हो गलत होता है ये होता है वो होता है आपको सुन के रोना आ रहा है जिसने सहा है उसका सोचो बट... तो क्या ये गलत है आ... अगर मैं किसी और की नहीं हो सकती और मैं प्रयास कर रही हूं कि मेरे को जो मेरा है चलो हटाओ ये बात भी एक और एग्जाम्पल देती हूँ बिगड़ गया सपोज करो आप अपनी मम्मी से अलग हो गए ठीक आप अपनी मम्मी की बात नहीं सुन रहे तो क्या आपकी मम्मी दूसरा बच्चा ले आएगी या आपको सुधारने की कोशिश करेगी सुधारेंगी सेम वशीकरण कराने की ताकत भी ये फालतू के छिछोरे वशीकरण हटा दीजिए कि पड़ोस वाली आंटी पे कराना है फलानी साली पे कराना है उसकी बहन पे कराना वो सब हटाइए वो तो मेरे लिए मेरे लिए ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि वो तो असली माँ बाप की औलादें ही नहीं होती जो ये ऐसी वाहियात बातें करती हैं लेकिन जो जैनुन बच्चे मेरे पास आते हैं जो सच में दर्द में पीड़ा में होते हैं जो किसी से सच्ची टूट कर मोहब्बत करते हैं और फिर आकर मुझसे कहते हैं ये बात कि प्लीज़ माँ वशीकरण कर दो उसको मेरे पास बुला दो मतलब क्या कि कोई लात मार के चला गया आपके स्वाभिमान को कोई लात मार के चला गया आपके प्यार को फिर भी आप उसके लिए मर रहे हो डेडिकेट हो रहे हो यानी कि आप अपनी सेल्फ को भी अपने प्यार के आगे झुका दे रहे हो या सलाम करती हूं और हजार बार नहीं लाख बार नहीं करोड़ों बार करूंगी ऐसे बच्चों के लिए वशीकरण सॉरी okay. <laughs> <laughs> <Sorry. laughs> सोच में चला गया था काफी ज्यादा uh, ओके okay, बट जैसे अब लड़कियां भी चली जाती हैं लाइक आपने एक पूरा फीमेल पर्सपेक्टिव दिया मैं 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 फीमेल आई कंप्लीटली हाँ, so तो उसको मेरे रिस्पेक्ट लड़के भी आते हैं। और मैं उसकी रिस्पेक्ट भी और और उसकी कर रहा आपका वो बायस भी समझ सकता हूँ आप, क्योंकि आप वो ज्यादा हार्मोन समझ सकते हो कंप्लीटली मैं अगर लड़कों के बिहाफ पे बात करूँ जितने भी देख रहे हैं सो अगर लड़की करती है सेम चीज तो मेरा ये मानना है या सोच है ऐसी आप बताना कि गलत है या फिर हम एक हेल्दी डिबेट करते हैं जिसमें कोई भी ऑफेंड मत होना सो so, मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई चला गया या चली गई तो वो थे ही नहीं होने मतलब वो होना ही नहीं चाहते थे और उनके बिहाफ पे अगर मैं उनको वापस बुला रहा हूँ ऐसी प्रैक्टिसेस करके ऐसी ओकल साइंस प्रैक्टिस करके जो खुद में इतनी स्ट्रांग है और वो वापस आ गए तो क्या मैं इसमें खुश रह पाऊँगा क्योंकि मेरे को तो ये हमेशा दिमाग में रह जाएगा कि यार ये इसको तो मैंने खींचा है ये खुद से नहीं आई मेरी लाइफ में तो मैं उससे भी कैसे सेटिस्फाई हूँगा सही कह रहे हो आप लेकिन ये चीज ये थॉट तक आने के लिए इसका मतलब आप अपनी चीजों से थोड़ा सा कम ओवर हो गए हो हो गया, थोड़ा सा, ओके, है है? ना? आप सॉरी ओवरकम गए, ठीक तो आ, आप कहीं ना कहीं उस चीज से थोड़ा सा निकल गए तो अब आपका दिल ये कह रहा है कि ठीक है यार मतलब ऐसा प्यार नहीं चाहिए जबरदस्ती वाला हाँ। है ना तो बेटा आप संभल जाओगे तो आपको जरूरत नहीं है लेकिन उन बच्चों का क्या करूं जिनको ये बोलती हूं नहीं है वो तेरे नसीब में नहीं लिखा पहले आप वो तेरे, करते वो, वो, तेरा देखो ते धोखा दे गया वो तेरा कभी हो ही नहीं सकता वो एक बार कर गया वो दोबारा भी कर सकता है हाँ क्योंकि इनसिक्योरिटी भी आ जाएगी ना कि ये एक बार चलेगी ये फिर जाएगी पर वो बच्चे मेरे सामने ऑप्शन क्या रखते हैं मां अगर वो नहीं तो फिर हम मर जाएंगे हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है हम सुसाइड कर ले तो किसी को मौत देने से तो अच्छा है ना कि उसके लिए थोड़ा सा अच्छा एक लड़का है करियर कुछ भी करना है, और ये लड़का बहुत टूट गया कि मैं मर जाऊंगा या वो नहीं आई बट अब वो लड़की इसके पास आना ही नहीं चाहती और ये वशीकरण करके उसको ले आया तो ये भी तो गलत हो गया ना कि इसने अपनी लाइफ बचाने के चक्कर में उसकी भी तो खराब कर दी वापस बुला के उसको इस कंडीशन में ना देखो बहुत सारी चीजें होती हैं कई बार क्या होता है किसी किसी का जैसे मैंने आपको अभी बच्चे और माँ का एक एग्जांपल दिया ठीक है अब क्या है कि बच्चे की ग्रह स्थिति ठीक नहीं है सामने वाले की हो सकता है उस समय ग्रह स्थिति ठीक नहीं हो इसलिए उसको सच्चे प्यार की कदर नहीं है हो सकता है ठीक है इसके अंदर आप किसकी किसकी किस्मत ज्यादा फूटी मानोगे वो जिसको वो छोड़ गया या वो जो छोड़कर जा रहा है जो छोड़ गया उसकी क्योंकि वो एक सच्चे प्यार की कदर नहीं कर पाया रियल हाँ। वैल्यू नहीं दे पाया उस चीज को जो उसका ही था हाँ। और जब आगे वो आगे एक अट्रैक्शन में या एक गलत रस्ते पर मुड़ गया जो शायद उसके लिए हो ही ना और उसे दो साल पांच साल दस साल या पंद्रह साल बाद जाके रियलाइज हो कि नहीं यार वही ज्यादा बेटर ऑप्शन था मैं ही गलत हो गया क्योंकि आजकल की जो दुनिया है आजकल की जो चीजें हैं उसके अंदर क्या होता है हमारा अट्रैक्शन तुरंत ही फॉरवर्ड हो जाता है हाँ। हम एक किसी इंसान के साथ हैं हम उसके साथ दस बार मूवी देखा है तो ग्यारह बार ग्यारहवीं बार ऐसा लगेगा अब किसी और के साथ चलते हैं तो on that condition, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो और ना आप कोई तांत्रिक वशीकरण कर रहे हो आप सात्विक कर रहे हो पूजाओं से से मंत्रों से पाठ मंत्रों आप उसको सिर्फ और सिर्फ उसके ब्रेन को सही प्रॉपर डायरेक्शन दिखा रहे हो बेसिकली आप उसको जो उसके उस टाइम के गलत आप उसके कॉन्शियस को हटा के अपने दे रहे हो। ऐसे नहीं कर रहे कि हम उसको जिंदा छोड़ ही नहीं रहने लायक नहीं तू उठ जा अब अब तू तू बैठ जा, चल, हाँ, हम उसकी गुड़िया बना के काम नहीं कर नहीं। दे रहे हैं। जब क्लैरिटी आएगी तो उसको सही चीजें दिखाई देने लगेंगी और नहीं मेरा ये सवाल है कि अगर सपोज मैं वशीकरण कराता हूँ किसी को मैम मेरे को वापिस लाना है और उसकी लाइफ में वापिस आना अच्छा ना हो मेरे पास ये चीज मैं ये सिनारियों में जानना चाह रहा हूँ देखो वशीकरण के लिए मैं ऐसे ही तो हाँ कर नहीं देती हाँ यही मैं जानना है हाँ ना और मैं जितने भी मेरे आज तक मैंने वशीकरण जितने भी बताए हैं वो सारे के सारे मैं घरेलू उपाय से ही बताती हूँ घरेलू चीजों से ही बताती हूँ सामग्रियों से बताती हूँ इलायची से इत्र से काजल से इन सब से करना बताती हूँ और लास्ट में सबको यही बोलती हूँ कि आप अगर किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं सच्ची मोहब्बत जी मोहब्बत शब्द यूज कर रही हूं मैं जी। सच्ची मोहब्बत अगर आप किसी से करते हैं तो आप ये करिएगा अगर वो आपके भाग्य में लिखा है ठाकुर जी को लगता है कि ही इज द राइट पर्सन फॉर यू तो तो वो आपके पास जरूर आ जाएगा नहीं नहीं तो नहीं आपकी रेमेडी भी काम नहीं करेगी नहीं करेगी करेक्ट अब क्लियर हो गया है ना और मैं किसी के भी वशीकरण के लिए ऐसे ही हानि कर देती हूँ मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं इम की फीस इतनी है पहले वो दो फिर वशीकरण की फीस दो मैं कहती हूँ दो ही मत वशीकरण की फीस दो ही मत मेरी फीस दे के ये जान लो कि मैं या कोई और ये काम करेगा तो वो आपके लिए ठीक होगा या नहीं होगा जी ठीक है और चांस सबको मिलना चाहिए मेरा ऐसा मानना है आपने किसी के साथ एक समय एक जिंदगी एक पल बिताया है तो आपको उस पल को जीने का एक मौका जरूर देना चाहिए ऐसे ही हमको किसी का फैसला करके उसको सूलि पर नहीं टांग देना चाहिए कि अब तू मर राइट एब्सोल्युटली राइट right. मेरे शरीर के अंदर अगर कोई घाव हो जाएगा तो मैं पहले उस घाव को हील करने की कोशिश करूंगी जब मुझे लगेगा कि अब वो नासूर हो गया तब मैं उसको हाँ काटकर अपने बदन से अलग करूंगी तो अगर कोई आपको इस तरीके से छोड़कर जा रहा है तो वो एक घाव है पहले मैं उसको हील कराऊंगी आपसे काउंसलिंग भी करते हो आप पहले हां काउंसलिंग right. भी करूंगी रेमेडी भी करूंगी अगर जरूरत पड़ी तो आंशिक वर्षीकरण दो तरह के वर्शीकरण होते हैं पूर्ण वर्षीकरण एक आंशिक वर्षीकरण मैं अधिकतर आंशिक वर्षीकरण ही बोलती हूँ आंशिक थोड़ा एक्सप्लेन आंशिक वर्षीकरण का मतलब वही होता है कि वो जब पूजा चलेगी तो सामने वाले का भी जो नेगेटिव माइंड आपसे हो गया है उसका जो माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया है कई बार क्या होता है वरुण कोई इंसान अपने मन से नहीं जाता ओके है ना थर्ड पर्सन उस तरह की सरकम खड़े कर देते हैं हाँ। मेरे पास इतने सारे बच्चे हैं इतने सारे बच्चे इतनी लड़कियां हैं जिनके हस्बैंड को ब्रेन वॉश कर दिया गया उनके लिए पॉसिबल हाँ, और सीन सीन क्रिएट करे जाते हैं दे क्रिएटेड अ उस बच्चे की कोई गलती नहीं है वो अपनी तरफ से अपना हंड्रेड परसेंट दे रही है पर होता क्या जैसे बेटा आया फैमिली भी ऐसी हाँ जैसे ही बेटा घर में घुसा पता लगा कि बेटा आ रहा है तो कुछ ऐसा काम करने बैठ गए जिससे उसको पता है कि इसको इरिटेशन होगी कि माँ क्यों कर रही है ये काम इंडियन मैं आपको एक बहुत छोटा सा किस्सा सुना रही हूँ मेरे पास एक बच्ची है वो उसने मुझे लॉकडाउन में लगातार मतलब रोज कॉल करे हम्म उसकी सास पता कैसा काम करती थी जैसे उसके बेटे को पनीर का परांठा पसंद नहीं आ तो पहले ही काम वाली को बोलती थी कि तू पहले दो परांठे ना पनीर के बना दे ठीक अब बेटे ने पूछा माँ क्या बना रहे हो वो तो ना पहले ही बोल चुकी है कि पनीर के परांठे बना दो तो ये एक इतनी सिंपल सी चीज कि पनीर और गोभी के परांठे पे आप सोचो वो हस्बैंड वाइफ का लॉकडाउन के पीरियड में रूम अलग अलग हो गया अब ऐसी कंडीशन में सामने वाले की कोई गलती ही नहीं है कोई फॉल्ट ही नहीं है बहुत सास बहु और ये सब बहुत लोगों का होता है दोस्ती ब्रेन वॉश कर देते हैं एम्प्लॉयज कर देते हैं आसपास के जो होते हैं आपके वो ही कर देते हैं मिसकम्युनिकेशन देखिए किसी भी जरिए से आ जाता है और जब इंसान का वक्त बुरा है तो उसको वैसी ही चीजें दिखने लग जाती हैं और सफर किसी सही इंसान को करना पड़ जाता है तो ऐसी कंडीशन में अगर हम उसको ठीक करने के लिए या वापस अपने परिवार की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये क्रिया करते हैं तो मेरे ख्याल से गलत नहीं है ठीक है अगर कोई तीन बच्चों का बाप है और वो अप, अपनी वाइफ को छोड़ के वो कहीं और अफेयर कर रहा है तो उसको वापस लाने के लिए ये क्रिया करनी गलत नहीं है ठीक है तो ये क्रिया गलत चीजों के लिए नहीं बनी सही चीजों के लिए भी बनी है हमेशा गलत चीजों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता सही चीजों में भी किया जाता है, इसको गलत तरीके से कर कर रहा रहा है। लेकिन यहाँ क्या होता है अब ठाकुर जी ने ही अगर किसी चीज के लिए मना कर दिया तो फिर दुनिया की कोई ताकत वो काम हमसे नहीं करा सकती लेकिन अगर ठाकुर जी ने ही हाँ कर दिया कि नहीं इसके लिए ये बिल्कुल ठीक है कर दो कर दो तो फिर Perfect. कोई रोक नहीं सकता मैं हमेशा लास्ट में पूछता हूँ बारे में आज मैं पूछूंगा ठाकुर जी ने मेरे बारे में क्या कहा <laughs> <laughs> मैं बार बार क्यों आ रही ओके सो ओके एक सवाल जब हमने इतनी सारी डेप्थ वाली बातें करी तो एक और डेप्थ वाला सवाल और आप प्लीज ठाकुर जी या कृष्ण जी को बीच में नहीं लाओगे oh. क्योंकि इस सवाल में मेरे को पता है आपके दिमाग में सबसे पहले वो आएंगे अच्छा तो आपने एक वर्ड बोला मोहब्बत ऑफ टॉपिक बट आई नो आपसे कि मोहब्बत क्या है मैम मोहब्बत आ, आप मेरी मोहब्बत का नाम नहीं आने दोगे बिकॉज़ <laughs> अब शुरू करो बट आप बताइए मोहब्बत वो है जो इंसान को ना पूरी तरह से बदल देती है मोहब्बत वो है जो आपके अंदर ना इंसानियत जगा देती है मोहब्बत वो है जो आपको दर्द का एहसास करा देती है दर्द का हाँ आप जब किसी से बहुत टूटकर प्यार करते हो ना तो आप अपने अंदर एक बहुत ड्रास्टिक चेंज देखोगे कि आप ना बहुत सॉफ्ट हो जाओगे सब चीजों के लिए और आप ना बड़े इमोशनली हर चीज के साथ अपने आप को कनेक्ट कर पाओगे आप कोई भी गलत काम करने से पहले अपने आप से डरोगे आपकी सोल प्योर जो कर देना वो मोहब्बत है तो मेरे हिसाब से मोहब्बत ईश्वर ही है और ईश्वर ही मोहब्बत है क्योंकि दोनों का काम सेम है आप फोकस्ड कितने हो जाते हो अगर आप किसी से मोहब्बत करते हो आपके अंदर से डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाता है सच्ची मोहब्बत आपके अंदर से वासना खत्म कर देती है आप दस जगह भटकते नहीं हो आपने ना बहुत सारे लोग देखे होंगे हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे नाम और बहुत सारे लोग हैं आपने देखा होगा मल्टीपल अफेयर्स रहे जी लेकिन एक कोई आया और बस उसका ही होकर रह गया बंदा लोग कहते रह गए नहीं यार ये तो प्ले बॉय है ये नहीं सुधरने वाला इसकी शादी नहीं चलेगी पर वो चल गई आप जब आप जब अपनी जिंदगी में किसी पर ठहर जाओ ना जब आप अपने आप में सिर्फ इस बात का गुमान कर पाओ कि वो आपकी लाइफ में है और वो आपकी दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है जब आप किसी के साथ दो रोटी सूखी खाकर भी खुश रह पाओ जब आप किसी से किसी भी डिमांड के साथ नहीं निस्वार्थ रूप में प्रेम कर सको वो मोहब्बत है जी। जब आप अपने अंदर एक अलग तरह का बिल्कुल अलग तरह का अपने अंदर एक डिस्ट्रैक्शन ले आओ आप अपने आप को सबसे अलग कर दो और आपके लिए बस एक ही चीज पूरी दुनिया पूरी कायनात हो जाए तो वो मोहब्बत वाह ओके okay. और क्या मोहब्बत एक ही बार हो सकती है मोहब्बत आपकी किसी एक पर्टिकुलर इंसान से होगी ये तो जरूरी नहीं जी मोहब्बत तो किसी से भी कभी भी हो सकती है एक माँ को अपने बच्चे से भी है एक दोस्त को दोस्त से भी है फॉर्म्स बदल जाती हैं तो मोहब्बत तो आपको हर बार जिसने एक बार मोहब्बत कर ली ना दोस्त उसके अंदर इतनी मोहब्बत होगी कि वो मोहब्बत हमेशा दूसरे से करी पाएगा अब आप नाम ले सकते हो ठाकुर जी से जी। <laughs> तो आ, आपको मैं एक चीज बताती हूँ मैं ठाकुर जी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ आपको पता है तो जब ये हो रहा था कि मेरे को शादी की बात चल रही थी और मुझे जब ये ख्याल आता था कि कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जी। जो मुझे अगर ऐसा बोल गया कि भाई आ, तुम ठाकुर जी की पूजा मत करो क्या तुम सारे दिन पूजा पाठ करती रहती हो तो मैं तो मर जाऊंगी हाँ, हाँ. मतलब तो जी नहीं पाऊंगी किसी ने समझाई नहीं इस बात को कि मैं उनके साथ क्या कैसे जुड़ी हूँ तो भाई मेरे को तो ऐसा लगता है मेरी तो जिंदगी खत्म हो जाएगी मैं तो क्या ही करूंगी क्योंकि कमिटेड भी बहुत ज्यादा हूं और बहुत रूट्स के साथ शास्त्रों को मानने वाली हूँ तो मैं शादी भी नहीं तोड़ पाऊंगी अपनी पत्नी धर्म से भी नहीं विद्रोह कर पाऊंगी और इधर ठाकुर जी के साथ जो है उससे भी नहीं पीछे हट पाऊंगी तो मैं बड़ी उसमें तो मैं हमेशा ना इस चीज को लेकर आगे बढ़ जाती थी कि नहीं 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 रहने दो ऐसे ही ठीक है हाँ। जैसा है वैसा देखा जाएगा करके तो जब मैं सर से मिली अः तो मैंने उनसे पहली चीज जो पूछी अपने बारे में मैंने उनसे यही पूछा कि आपको मुझ में क्या अच्छा लगा Hmm. क्यों okay. करना चाहते हो आप मुझसे शादी <laughs> तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कहा कि जो औरत अपने ठाकुर जी से इतना प्यार कर सकती है और अगर आप इसको गलत वे में ना लो अगर आप मेरी बात को नकारात्मक ना, ना समझो बुरा ना मानो तो मैं अगर आपको स्पष्ट शब्दों में कहूं कि जो औरत एक मूर्ति से इतना प्यार कर सकती है वो इंसान से कितना टूटकर प्यार करेगी वाह wow. <laughs> मेरे को ऐसा लगता है मैं आपको रुला हूँ सॉरी <laughs> <था, I'm> <laughs> कोई बात तो वो एक पल था जो मुझे लगा कि किसी ने ना मेरे अंदर उस चीज को फील किया है कि हाँ ये इसके अंदर इतना प्यार का सागर है इतना प्यार का सागर है कि वो कितना भी छिड़क लो वो कम नहीं होने वाला सो so तो वो जो पहला लेकिन वो जो मोहब्बत है ना वो कहीं ना कहीं ठाकुर जी से हुई और उनसे इतनी मिल गई इतनी मिल गई इतनी मिल गई कि अब वो मैं हजारों लाखों करोड़ों लोगों के साथ भी बांट रही हूँ ना तो वो बढ़ रही है वो खत्म नहीं हो रही वो स्प्रेड हो रही है बिकॉज हाँ। मैं ये क्यों कह रहा हूँ टेल यू किसी ने जब पॉडकास्ट देखा था हमारा एंड उनको आप बहुत पसंद आए और वो एक छोटी लड़की थी लाइक की नाइनटीन साल की लड़की थी और उसने अपनी फिर फैमिली को दिखाया क्योंकि उनको बहुत पसंद आया और उसके बाद उसने अपनी पूरी फैमिली को दिखाया कि नहीं मैम को देखो माम को देखो सेम मैंने जाके बहुत सारे लोगों को बताया आपके बारे में पर्सनली भी कि मैंने आपका स्पेशली मंदिर वाला बताया जो हमने पॉडकास्ट डाला आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा जैसे लोगों के घर में मंदिर होता है इनके मंदिर में ही घर है सो so, ये सारी चीजें सो so, वो जो आप छिड़क रहे हो ना वो लोग भी आगे और छिड़क रहे हैं कंपाउंड हो रहा है वो तो ये मोहब्बत है जी। मतलब मोहब्बत में ना कभी आप किसी से ये सोचकर प्यार नहीं करोगे है ना कि उससे हमको कुछ गेन हो मोहब्बत एक वो एहसास है जिसमें आप इतना पा जाते हो कि आप वो जिसको भी आगे प्रदान करते हो जिसको भी देते हो वो आगे बढ़ता ही बढ़ता ही बढ़ता ही जा रहा है वाओ सो ट्रू और आज के युग में ना यही चीज खत्म होती जा रही है जो मुझे बड़ी पीड़ा देती है बहुत दुख देती हम है हम होने ही नहीं देंगे हाँ हम तो नहीं होने देंगे और आप एक चीज समझिए जब हम ठाकुर जी की बात करेंगे फिर हमारा घूम जाते घुमा <laughs> फिरा के वो कहते तुम मुझ पर ही रहो right. हम, हम आप ही पर हैं हम आपसे कहीं परे नहीं है तो जब हम ठाकुर जी की बात करेंगे तब तो मैं आपको इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि ठाकुर जी, जी सिर्फ सिखाने ही यही आए थे आप बड़े बड़ी चीज़ों की बातें करिए आप बात करिए गीता के सार की आप बात करिए पुराणों की आप बात करिए महाभारत की आप बात करिए उनके अनेक अनेक रूपों की चाहे आप उनके बाल रूप को देख लीजिए चाहे आप उनके किशोर रूप को देख लीजिए चाहे आप उनके रास देख लीजिए चाहे आप उनको द्वारकाधीश रूप में देख लीजिए चाहे आप रणछोड़ के रूप में देख लीजिए आप किसी भी रूप में देखिए आपको हर एक रूप में सिवाय और सिवाय प्रेम के कुछ नहीं मिलेगा और शायद यही एक पूरा एक पूरा का पूरा इस चीज को मैं एक ही लाइन में सिमट देती हूं आपके लिए मतलब पूरी लाइन को एक ही वाक्य में आपको खत्म करती हूं आप समझ जाइएगा पावर ऑफ लव क्या है जी. कि वैसे तो ये बहुत बड़ी कविता है लेकिन इसके सिर्फ छोटी सी लाइन आपको मैं सुना रही हूँ कि इसके अंदर राधे रानी श्री कृष्ण से कहती से अलग हो गए तो आपने क्या पा लिया आप बांसुरी उठाते थे अब आपने सुदर्शन चक्र उठा लिया हाँ है ना तो श्री कृष्ण कहते नहीं राधे तुम तो मत कहो ये बात हाँ। तुम तो जानती हो मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं तो वो बोली कि मैं तो जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं लेकिन आप समझिए कि आप प्रेम से दूर होकर क्या हो गए यमुना के मीठे पानी से जिंदगी चालू करी और समुद्र के खारे पानी पर पहुंच गए आपके अंदर अगर प्रेम बाकी था तो आप अपनी सेना भी नहीं दे सकते थे को जो आपने दे दी तो राधा रानी उनको वही चीज सॉरी राधा रानी उनको वही चीज समझा रही है बार बार कि प्रेम से विमुख होकर आदमी कैसा हो जाता है और प्रेम के साथ कैसा होता है तो इस चीज का वो अंत इस चीज पर करती हैं कि आज भी धरती पर जहां आप जाओगे आप मेरे साथ ही हर मंदिर में खड़े पाओगे आज भी आप धरती पर जहाँ भी जाओगे आप हर मंदिर में मेरे साथ खड़े पाओगे आपने गीता जैसे ग्रंथ को लिखा आपने गीता का सार गीता का ज्ञान दिया जिससे हजारों करोड़ों लोगों का उद्धार हुआ गीता जैसे ग्रंथ को लिखने वाला पूरी गीता के अंदर मेरा नाम नहीं लिखा पूरी गीता में कहीं मेरा नाम नहीं है कहीं मेरा जिक्र नहीं है फिर भी मोहब्बत की ताकत देखिए साहब गीता के समापन पर सब राधे राधे वाह मेरे को समझ नहीं आएगा मैं पॉडकास्ट पो का <laughs> टाइटल हेडिंग क्या <laughs> फिर कृष्ण जी पे आ गए ओके मूविंग ऑन टू नेक्स्ट रेमेडी चलो उपाय की बात करते हैं जिसके लिए ऑडियंस आई है <laughs> हे प्रभु ये भी एक लीला है उनकी ये भी प्यार है राइट ये भी लीला है ये भी इतना डेप्थ प्यार है आप देखिए कि मैं जब जब उनका जिक्र करती हूँ मैं अपने अशुओं को नहीं रोक पाती हूँ सेम ऑडियंस मैंने आपको क्या बताया था कि मेरी मम्मा का कॉल आया कि वो रो रही हैं उनको देख के मेरी बहन रोते रोते पूछे कि मम्मा क्यों रो रहे हो और जैसे जैसे प्यार बह है वैसे वैसे आंसू बह रहे सके <laughs> तो ये भी एक प्योरिटी ऑफ लव ट्रू राइट आप सोचिए इतना depth connection कि जिसका नाम लेते ही मैं अंदर से इतनी इतनी भाव इतनी विभूर हो जाती हूँ कि मुझे लगता है मैं अपना सब कुछ समर्पित कर दू उनके लिए hmm. एक गर्व एक अभिमान एक प्रेम परिकाष्ठा प्रेम की भक्ति की समर्पण की Hmm. आपके अंदर जब आती है तो आप जब अपने स्वामी का नाम लेते हैं तो आपके आंसू अपने आप गिर मुझे मुझे लोगों को हजारों जन्मों में हीरे दान करके नहीं मिलता वो उन्होंने मुझे इस जन्म में प्रदान किया है ठीक uh. तो मैं किसी दुख में कभी नहीं रू और दुख में क्यों रोऊं जब मेरे ठाकुर मेरे साथ खड़े वो तो उनकी एक तरीके से उनका अपमान होगा अगर मैं दुख में रो दी तो ऐसा कैसा कृष्ण भक्त जो रो रहा हाँ, है और आते हैं। <laughs> पेरे खड़े और कितनी बार मैं बताऊँ पॉडकास्ट में देखो रोमटे खड़े मैं अच्छा, थोड़ी सी रुदालू हो गई थी तो मैं बोल नहीं पाई गीता में दूर दूर तक कहीं राधा जी का नाम नहीं है गीता में दूर दूर तक कहीं राधा जी का नाम नहीं है लेकिन फिर भी उसके समापन पर लोग राधे राधे करते हैं राधे राधे दिस इज अ हाई लेवल ऑफ लव यू नो मोहब्बत मोहब्बत ये है <laughs> ओके तो अब टाइटल क्या है मोहब्बत <laughs> <laughs> चलिए टाइटल था वशिकरण जा <laughs> से कहां पहुंच गए हम सो so, सवाल ये था क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि रेमेडी आएगी अभी सो हाँ उपाय so, ये है कि जिन लोगों के ऐसे मोमेंट्स आ जाते हैं कि शादी है बच्चे भी हैं और हस्बैंड का या फिर वाइफ का ऐसा सीन हो रहा है तो उनके लिए क्या रेमेडीज हैं देखिए पहली बात तो ये कि जब ऐसी कोई सिचुएशन खड़ी हो जाए कि आपका एकदम से कोई ब्रेकअप हो जाए किसी भी रिलेशनशिप का तो सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए एकदम सिंपल रेमेडी बता रही हूँ उनको अपनी तरफ वापस बुलाने के लिए अट्रैक्ट करने के लिए आपको एक शहद की छोटी सी डिब्बी ले लेनी चाहिए जी उस डिब्बी के ऊपर आपको लिख देना चाहिए रिम है है ना लिख देना चाहिए लाल पेन से ओके ठीक और एक व्हाइट कलर का छोटा सा पेपर लेना चाहिए वैसे तो भोजपत्र लेना चाहिए ओके है ना पर अगर किसी को भोजपत्र ना मिल पाए तो आप एक व्हाइट कलर का पेपर ले लीजिए और उस व्हाइट कलर के पेपर के ऊपर आप रेड पेन से उस व्यक्ति का नाम लिख दीजिए ठीक है जिसको आप अपनी तरफ वापस बुलाना चाहते हैं और उसको मोड़िए मत मतलब आप उसको ना फोल्ड नहीं करेंगे आप उसको रोल करेंगे अंतर है ना दोनों चीजों तो आप उसको रोल करके वो शहद की डिब्बी के अंदर डाल देंगे ठीक है अब आप अपना कोई ऐसा वस्त्र जो आपने ऑलरेडी पहन रखा हो पर धोया नहीं हो ठीक है ठीक उसके अंदर शहद की डिब्बी को लपेट अपनी अलमारी में रख देंगे कब तक जब तक वो व्यक्ति आपके पास दोबारा वापस नहीं आ जाता या उसका आपसे संपर्क चालू नहीं हो जाता ठीक है जब वो आ जाए तो आप इस डिब्बी को ले जाइए आप बहते हुए जल के अंदर प्रवाहित कर दीजिए अगर जल ना हो तो फिर जमीन के अंदर गड्ढा खोद के वहां पर दबा दीजिए और इसके ऊपर आधा नींबू निचोड़ दीजिए ओके ताकि गलती से किसी का पैर वैर पड़ गया तो कहीं कोई चीज नेगेटिव ना हो जाए इसलिए तो नींबू सारी की सारी चीजों को पावर को खत्म कर देगा फिर वो यूजलेस है ठीक है okay. और ये तो एक सिंपल रेमेडी है जो आप इंस्टेंट भी कर सकते हो विदाउट कंसल्टेंसी और विदाउट एनीथिंग दूसरी चीज ये है कि आप जब किसी इंसान से बहुत ज्यादा अटैच होते हैं आपको ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति अब मेरी जिंदगी में पता नहीं वापस आएगा नहीं आएगा क्या होता है एक होता है मोहिनी यंत्र ठीक है ठीक है मोहिनी यंत्र के ऊपर उस व्यक्ति का फोटो लगाकर ठीक है और उस व्यक्ति के नाम से आपको जैसे आपने उस व्यक्ति का नाम लिया सपोज उस व्यक्ति का नाम है राम जी ठीक है आपने बोला राम ठीक और उसके बाद आपने मैनुफेस्ट किया जो भी आप चाहते हो कि हमारे बीच जो भी लड़ाई है वो खत्म हो जाए ये मेरे पास वापस आ जाए हम दोनों जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहें हमारा रिश्ता कभी खत्म नहीं हो ऐसा आपने मेनुफेस्ट कर दिया उसके बाद एक लाल कपड़े में उसको लपेटकर आप किसी सेफ जगह पर रख दीजिए जहां पर कोई उसको टच ना करे ठीक है तो ये चीज भी सामने वाले को बुलाने का काम करती है फिर इसके अंदर बहुत अनगिनत उपाय है मेरे पास तो मुझे लगता है लाखों उपाय है ओके। इन चीजों के ठीक है फिर वो आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है आपकी आप क्या चाहते हो किस लेवल पे चाहते हो आप सपोज करिए किसी ने अगर आपका फोन ही ब्लॉक कर दिया है आपको व्हाट्सएप ब्लॉक कर दिया आपको फेसबुक से ब्लॉक कर दिया आपका नंबर ब्लॉक कर, कर, कर दिया आपको कट ऑफ कर दिया तब उस कंडीशन में आप क्या करेंगे आपको क्या करना चाहिए आपको आप दोनों की एक पिक्चर लेनी चाहिए जी। उसके पीछे आपको एक नंबर लिख देना है वन वन सेवन सिक्स रेड पेन से ठीक है और उसके नीचे आपको लिख देना है क्लिम ओके ठीक है उसको आपको लाल कपड़े में लपेटकर या तो वहां रखना चाहिए जहां आप अपना फोन चार्ज पे लगाते हैं अनब्लॉक कर देंगे आ जाएंगे हाँ wow. फिर इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें होती है जैसे आप अपने वॉलपेपर के ऊपर अच्छी चीजें लगाकर रखिए hmm. क्या होता है जब किसी का दिल टूटता है जब किसी का ब्रेकअप हो जाता है तो वो क्या करना चालू करते हैं आप नोट करके देखिएगा उनके स्टेटस उनकी डीपी उनका फोन सब जगह ना रोनी रोनी सूरत लग जाती है तो आप ना यूनिवर्स को खुद इस चीज के लिए इंडिकेट कर रहे हो कि मैं पेन में हूं मुझे पेन दो नहीं आपको बल्कि उल्टा करना चाहिए आपको राधा कृष्ण की फोटो लगा देनी चाहिए आपको कपल्स की फोटो लगानी चाहिए और जब भी आप वो देखो ना तो आपको हमेशा विश करना चाहिए इस चीज़ के लिए कि जैसे ये दोनों एक दूसरे के थे ना सिर्फ एक दूसरे के थे ऐसे ही हम दोनों भी सिर्फ एक दूसरे के रहें विपरीत वक्त के अंदर जब आप पॉजिटिव चीज़ों का आदान प्रदान करेंगे या आप आप उसकी मनोकामना करेंगे आपकी चीज़ें जरूर लगेंगी सबसे ज़्यादा चीज़ें किसकी लगती हैं सबसे ज्यादा बड़ी दुआ किसकी होती है जिसका दिल दुखा होता है। एग्जैक्टली जिसे दर्द का एहसास होता है जो किसी की आत्मा के साथ कनेक्ट करता है लोग मुझे कहते हैं माँ आप ठाकुर जी को अर्जी लगाती हो तुरंत लग जाती है क्यों मैं शायद आपसे भी दिल से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाती हूँ और मैं ठाकुर जी से तो क्या ही बोलू दिल आत्मा सब उन्हीं का है तो यहां पे ना आप पेन में हो आपकी चीजें तुरंत पहुंचेंगी पहुंचेंगी पर रास्ता सही होना चाहिए पहुंचाने का गलत रास्ता मत लाइए दर्द में है पेन में है तो लोगों को शो मत करिए कि यू आर पेन नो आई एम हैप्पी क्योंकि आप जैसा दिखाएंगे लोग आपको वैसा लेना चालू कर देंगे फिर सारा यूनिवर्स मिलके आपके लिए वैसा ही बना देता है एग्जैक्टली exactly. और मेरे को ऐसा लगता है और ये मेरी भी टिप है कि लोगों के सामने रोने का क्या फायदा जब आप भगवान हैं वो भी नहीं अभी आपने बोला ना अपन ठाकुर जी की बात करते हैं अपन उनके प्रेम की उनकी भक्ति की बात करते हैं तो वो हो रहा है जी ब, आगे फैलता जा रहा है जब आप किसी से दर्द की बात करेंगे ना तो आपको उस समय आप नोट करके देखिएगा सब बच्चे इस बात को नोट करिएगा आप जब किसी खुशनुमा माहौल में होंगे जब आप किसी के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप में होंगे ना आपको बहुत कम एक आधी ही आपको ब्रेकअप्स की न्यूज आएंगी है ना? और जब ये चीज आपके साथ हो जाएगी ना चारों तरफ से आप जिसको सुनोगे यार मेरा भी भी ब्रेकअप हो गया या मेरे साथ भी सेम यही हुआ पता है हाँ, हाँ, होता है होता मैं इसी सह रही हूँ मालूम है तो वो क्या है वो बेसिकली वही है कि यूनिवर्स आपको जान के उस दलदल के अंदर डालना चाह रहा है कि तुम जाओ क्यों क्योंकि आप अपने आप को उस तरीके से शो कर रहे हो अब आप उसके विपरीत शो कर दो वो आपको खुशियों के दलदल दल में डाल देंगे सो ट्रू आई टेल यू जो आपने चीज बोली ये मेरे साथ अभी हो रहा है हमारे पिछले आठ दस पॉडकास्ट में मैंने एक पैटर्न नोटिस करा और ये सिर्फ मैंने ऑकल साइंस में नहीं हमने पॉलिटिकल पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड करें हाल फिलहाल में और दूसरे जॉनर में भी करें जिनका ऑकल साइंस से कुछ लेना देना नहीं है और स्पिरिचुअलिटी से भी कोई है ही नहीं दूर दूर तक कोई कनेक्शन पर पिछले आठ दस पॉडकास्ट जो भी मैंने रिकॉर्ड करें उन सब में कृष्ण जी की बात हुई है हर उसमें और कहीं ना कहीं से लाइक जो पॉलिटिकल पॉडकास्ट था उसमें कोई चांस ही नहीं था होने का कुछ सोचा ही नहीं था और वहां पे भी हो गई और ऐसे ही दूसरे में और जोड़ते हैं, मेरे साथ भी यही मुझे सब तरफ कृष्ण भक्त ज्यादा मिलते हैं आप देखिए आप तो मेरे घर के सारे लोगों से मिले मेरे घर में लोगों के नाम ही ऐसे मोहन काना हाँ। गोपू जी तो आप मतलब मेरे घर के लोगों के नाम ही ऐसे कि मैं ना चाहते हुए भी ना वो ठाकुर जी में ही रमी रहूं जब चल रहा है जब चल रहा है हाँ। जितनी बार नाम ले रही हूँ जब चल रहा है ना? तो वही सेम चीज है आप अगर दर्द को बुलाओगे तो दर्द आएगा आप अगर खुशी को बुलाओगे तो खुशी आएगी तो जब भी आप पेन में हो ना बेटा आप रिवर्स थ्योरी अपना लो आप दर्द मत शो करो आप और खुशी शो करो तो खुशियां आपके पास आएंगे सो so तो हम लोग क्या करेंगे दर्द भरे गाने सुनने लगेंगे हम्म हां नेगेटिव जोन में चले जाते हैं मुकेश याद आ जाते हैं <laughs> मुकेश याद आ जाते हैं हमें हमारी जनरेशन को कोई और बट आ जाता है अरिजीत हाँ। सिंह <laughs> आते मतलब या ठीक है तो नहीं करना हमें हमें अच्छे गाने सुनने हैं हमें भजन सुनने हैं हमें पॉजिटिव सुनने तो <laughs> तो मैं, मैं चालीसा से लिख रहा हूँ जब आपने बोला था ना चालीसा तो मैं ये सोचा था यार, मैं तो तब से सुन रहा हूँ और कंटिन्यू सुन रहा हूँ आप सुन रहे हो आप कह नहीं रहे हो हाँ दोनों चीजों में अंतर है जी हाँ मैं रेगुलर मतलब सुनना और कहना सबकॉन्शियसली सुन रहा हूँ हाँ तो वो अलग चीज है फिर तो आप सुन सकते हो फिर आपको वो पैटर्न अपनाने की जरूरत नहीं जी। ठीक है तो जब ऐसा कुछ हो तो हमें अपनी चीजों को बदल देना चाहिए हुँ. तो इस तरीके से हम कर सकते हैं वाह अब जैसे हमने ये वाला तो एक्सट्रीम केस था जबकि कोई कपल में से हस्बैंड या वाइफ बिल्कुल ही कट ऑफ करके चला गया तो उनको वापस बुलाने का कुछ सिचुएशन ऐसी भी होती है और ये और ज्यादा डार्क है जहां पे लेडी को होती है कि वो इग्नोर करते हैं तो उसमें भी सेम रेमेडी करनी है या कुछ और नहीं नहीं उसके अंदर एक तो आपको अपने घर के नॉर्थ में अर्धनारेश्वर की एक तस्वीर लगा देनी है गोल्डन फ्रेम में लगा के जी अगर आपका हस्बैंड किसी और के साथ डाइवर्ट हो रहा है तो जी। ठीक है और आपको अपने बेड के पीछे भोजपत्र के ऊपर एक ट्राइंगल रेड कलर का ट्राइंगल बना के उसके अंदर आपको एक नंबर लिख देना है फाइव वन टू टू जी ठीक है और उसके जस्ट नीचे जैसे आपने ट्राइंगल बनाया तो उसके जस्ट नीचे आपको तीन बार लिख देना है त्रिम त्रिम, त्रिम. ठीक और इसको आपको अपने बेड के बिल्कुल पीछे चिपका लेना है जी तो आपके हस्बैंड का वहां से कनेक्शन धीरे 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 कट के आपके साथ आ जाएगा फिर बहुत सारे ऐसे उपाय होते हैं जैसे पानी को हम चार्ज करके पिला सकते हैं तुलसी पत्र को हम चार्ज करके पिला सकते हैं है ना हम चाय को चार्ज करके पिला सकते हैं तो ऐसी स्थिति में खीर खीर को शुक्रवार के दिन भोग लगा के देवी माँ को भोग लगा के या ठाकुर जी को भोग लगा के अपने हस्बैंड को खिलाना चाहिए और फिर उसी में से खुद भी खाना चाहिए ऐसा करने से क्या है प्रेम बढ़ता है आपस में चांदी की एक डिब्बी के अंदर सिंदूर रख लें उसके अंदर एक गोमती चक्र डाल दे अभिमंत्रित करा हुआ ओके। है ना और उसके अंदर एक चांदी का सिक्का डाल दे और उस सिंदूर को आपको किसी भी देवी के मंत्र से सिद्ध कर लेना है ठीक है देवी के बहुत सारे मंत्र हैं जब हम गूगल करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे आ जाते हैं नहीं तो एक सम, सबसे सिंपल जो होता है चामुंडा है है ये सबसे सिंपल होता है, है ना तो आप कोई भी देवी के मंत्र से 108 बार बोलकर उस सिंदूर को आप सिद्ध कर लीजिए और उसके बाद में कोशिश करिए कि वो सिंदूर पहले तो आपके हस्बैंड लगा दें आपकी मांग में अगर नहीं भी लगाते तो उनका हार्ट टच हो जाए है ना और उसमें से जरा सा टीका ये सोते हुए भी क्रिया करी जा सकती है जरा सा टीका लेकर आपको उनके माथे पर लगा देना है ओके। ठीक है और उसके बाद उस सिंदूर में से आप भी अपनी बिंदी लगा लीजिए सिंदूर लगा लीजिए तो इससे भी आपका कनेक्शन एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है ओके आ, एक सिनारियो ऐसा सही सिमिलर ले रहा हूं जैसे हस्बैंड वाइफ में प्यार है आ, सब कुछ सही है कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं बट बहुत ज्यादा नोकझोक होती रहती है कि लड़ते रहेंगे पूरा टाइम लड़ते रहेंगे उसके लिए देखिए सबसे पहले कुछ वास्तु की चीजें बता दूं आपको जी घर के अंदर अगर वास्तु एनर्जी ऑपोजिट होगी तो हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत होंगे ओके ठीक है तो सबसे पहली चीज तो यह है कि आपके बेडरूम के अंदर डार्क कलर्स नहीं होने चाहिए ठीक है ना वॉल पे होने चाहिए ना कटन में होने चाहिए जी दूसरी इसकी सबसे बड़ी रेमेडी यह है कि आपकी जो पानी की टंकी होती है <laughs> वो कभी भी गंदी नहीं रहनी चाहिए ओके। okay. बहुत छोटी सी चीज है लेकिन हम इस पर ध्यान नहीं देते <laughs> ये हमारे चंद्रमा को इफेक्ट करती है चंद्रमा okay. मन का कारक होता है इमोशंस का कारक होता है एक दूसरे से जुड़ने का कारण होता है जी ठीक है तो ये चीज जब जब भी आप देखिएगा जिन जिन घरों में टंकियां बहुत बहुत दिन बाद साफ करी जाती होंगी या उसके अंदर पानी भरा रहता है और उसको बहुत नीट एंड क्लीन नहीं रखा जाता है ऐसी कंडीशंस में ऐसे घरों में संबंध आपस में खराब होने चालू हो जाते हैं okay. ओके ठीक है अब आप ये कहेंगे कई लोग ऐसा बोलेंगे कि भाई हम तो फ्लैट्स में रहते हैं तो हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है कि हम ऐसा कुछ करें उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए कि बहता हुआ जल जहां से आ रहा है आपकी रसोई में एक नल होगा जिसमें से बहता हुआ जल आ रहा होगा तो वो जल आप किसी चीज में स्टोर कर लीजिए ठीक ठीक है थीक है और शाम शाम के के समय संध्या पड़े जिसे कहते हैं शाम के वक्त उसके पास में एक घी का दीपक जला दीजिए ठीक है ओके तो छोटी छोटी हर चीज की रेमेडीज है अगर आपकी कोई चीजें नकारात्मक है तो उसको सकारात्मक करने का आप पूर्ण प्रयास करते रहिए

उनके मंत्र का या उनकी चालीसा का पाठ करना है मंत्र करेंगे तो 108 बार करेंगे और चालीसा करेंगे तो आप एक बार कर कर लीजिएगा उसके बाद में आप पुनः अपने घर आ जाइए अपने घर में आने के बाद आप उस बच्चे को कुछ भी जो आपका मन करे मतलब या तो आप घर में बना के खिला दीजिए या आप बाजार से ले आइए वो खिला दीजिए मतलब मंदिर से आप जो प्रसाद लगाएंगे उसके अलावा वो नहीं करना है उसके अलावा आप उस बच्चे को कुछ भी मीठा खिला दीजिए कुछ ना हो तो गुड़ खिला दीजिए और कुछ ना हो तो आप दही चीनी मिलाकर खिला दीजिए ओके okay. ये रेमेडी आपको रेगुलर करनी पड़ेगी सात से नौ बुधवार hmm. बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ने लगेगा अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बच्चे का अच्छा नहीं बनता है तो बच्चा अगर आपकी बात मान जाता है आपको सुनता है तो उसको कहिए सुबह सुबह उठकर सूर्य को जल देना स्टार्ट कर दे और सूर्य के सामने ही बैठकर ये मुद्रा ठीक ठीक है ये मुद्रा के अंदर बैठ के गणेश जी का स्मरण करते हुए या गणेश जी का नाम जाप करते हुए उनको आप एक तरीके से अपने साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए करिएफेक्ट इसके अंदर मैं आपको एक चीज और बताती हूँ जी बहुत सारी ना लेडीज बहुत परेशान रहती हैं इस चीज से कि उनके हस्बैंड जो हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। तो जैसे कि टाइम एक रोमांटिक रिलेशनशिप डाउन हो जाता है तब भी कह लीजिए एक नॉर्मल भी उनके बीच में जो है अच्छा, रोमांस नहीं है जी मतलब ठीक है सारी वो फॉर्मेलिटीज पूरी हो रही हैं जो वाइफ की होनी चाहिए लेकिन छोटी छोटी केयर होती है छोटी छोटी चीजों पे अटेंशन होती है वो नहीं दे रहे हस्बैंड हस्बैंडिटी अच्छे से कर रहे हैं है, है। है। okay. है? जैसे आपका ये, आ, पैर है, हाँ ये आपका लेफ्ट पैर है जी. ठीक है इसको आपको इस तरीके से अपने इस पैर के साथ जोड़ लेना है ओके okay. और ये वाला जो आपका पैर है इसको आपको ऐसे ही नीचे रखना है जी ठीक है और आपको बिल्कुल सीधा बैठ जाना है ठीक है आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो आपकी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए मेरी कुर्सी ऐसी है कि हाँ, मैं सीधा बैठ नहीं ऐसे पैर के और फिर ऐसे एकदम स्ट्रेट बैठ जाऊ ठीक है ठीक है तो ऐसी कंडीशन में बैठकर आप अगर ओम नमः शिवाय का जाप करें है ना कम से कम 108 बार ये प्रत्येक स्त्री के लिए बता रही हूँ मैं पुरुष नहीं करेंगे हाँ, मैं वही था कि अगर पुरुष करेंगे तो उनका अट्रैक्शन कहीं और बढ़े जाएगा ये ध्यान रखिएगा मतलब वो तो वैसे ही हो जानी है तो आ, स्त्रिया ओम नमह शिवाय का जाप करें और उसके बाद वो अपने हस्बैंड का नाम ले और ऐसा मैनिफेस्ट करें ऐसे मन में सोचें कि ये दुनिया में सबसे ज्यादा सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं मैनिफेस्टेशन भी काम करेगा। ओके। okay. ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप किसी को भी किसी भी तरीके से अपनी तरफ खींच सकते हैं लेकिन अगर आप दोनों के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप है तो ओके okay, उसमें मतलब स्पार्क और बढ़ेगा वाओ कमेंट आने वाले हैं खुशी के थैंक यू तो ये कॉन्सेंट्रेशन वाला भी हो गया ये बीच में मैं बोलना भूल गई थी वो वाला भी हो गया अब बताइए आप से, सही से बैठ जाइए मैं सोचा कोई अट्रैक्ट हो जाए ओके <laughs> <laughs> <Okay. laughs> <laughs> <laughs> कुछ लड़कों के लिए बता दो आप बहुत देर से सारे <laughs> <आ, laughs> लड़के हम लड़के हमारे साथ ऐसे ही होता है <laughs> आ, नहीं ऐसा नहीं होता चलो okay. बताती हूँ मैं आपको शुक्रवार के दिन आप नाभि के ऊपर हमारी नाभि जो होती है ना वो हमारे आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र होता है ओके okay. और लोगों को ये पता ही नहीं है आ, मैं, को भी नहीं मैं अभी एक रिसर्च कर रही मेरी सेकंड पीएचडी स्टार्ट हो गई है wow. मैं रिसर्च कर नाभि के ऊपर hmm. नाभि नाभि के आकार hmm. की बनावट जी है ना बहुत अलग अलग होती है उसके हिसाब से इंसान का स्वभाव और उसकी प्रिडिक्शन wow. कैसे निकाली जा सकती है मैं इसके ऊपर काम कर रही हूँ ये मेरा अभी रिसर्च चल रहा है hmm. जैसे ही पूरा हो जाएगा तो मैं आपको बुक दूंगी पढ़ने के लिए तो आपकी जो नाभी होती है यह सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है ठीक है आप इसके ऊपर प्रत्येक शुक्रवार इत्र लगाना चालू कर दीजिए हम्म ठीक है स्पेसिफिक इत्र परफ्यूम भी नहीं इत्र चाहिए परफ्यूम के अंदर ना कहीं ना कहीं अल्कोहल होता है हाँ। जो प्योर इत्र होगा वो उसमें नहीं होता तो इत्र ही लगाना है इत्र लगाने के बाद आपको आलक्ति पालकती के बैठ जाना है जी। ठीक है रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखनी है आपको और उसके बाद आपको अपनी ये दो उंगलियां जी इनको अंदर कर लेंगे अंगूठा ऐसे हो जाएगा ये दो उंगलियां आपको अपनी नाभि पर रखना है ठीक है और आपको बोलना है क्लिम कृष्णा ओके उनसे बड़ा आकर्षण किसी के अंदर नहीं है <laughs> सही बात है और उनसे ज्यादा वशीकरण कोई नहीं कर सकता और एक पुरुष के लिए उनसे बड़ा कोई नहीं मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ हालांकि फिर ऑफ द ट्रैक जा रहे हम ये आई आप... गेस यही हमारे पॉडकास्ट का ऑन द ट्रैक भी होता है <laughs> मीरा भाई आ, को जब पता लगा कि वृंदावन जाएंगे तो उनको ठाकुर जी मिल जाएंगे तो वो भटकती 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 वृंदावन पहुंच गई जी तो वहां के जो मेन प्रमुख थे गोसाई जो थे उन्होंने उनको कहलाया कि मैं ठाकुर जी के दर्शन करने आई मैं उनके दरस दीवानी हूँ उनको देखने आई हूँ तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर स्त्रियों का आना अलाउड नहीं है तब तक वहां पर स्त्रियों का जाना अलाउड नहीं था ठीक है वो मेल डोमिनेटिंग दॉम, वर्ल्ड आप कह सकते हो हाँ। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर स्त्रियों का आना अलाउड नहीं है तो मीराबाई ना जोर जोर से हंसने लगी जो उनका ये संदेश लेकर आया था वो उनको देखने लगा कि ये क्यों हंस रही है पागल हो गई है क्या हैं। ये इतनी जोर जोर से हंस रही है इनको बोल दिया भाई औरतें नहीं जा सकती उनके दर्शन नहीं कर सकती तो नहीं कर सकती तो उन्होंने हार के उनसे पूछा कि भाई आप क्यों हंस रही हैं आप ठीक हैं आपका मानसिक संतुलन खराब तो नहीं हो गया आप ठीक ठाक हैं तो उन्होंने बोला कि इस हिसाब से तो फिर यहां पर पुरुष कोई भी नहीं है तो उसको बड़ा आश्चर्य हो उसने कहा ये क्या बोला इन्होंने ये क्या बोल दिया तो उन्होंने कहा कि मैं पुरुष हूँ ये पुरुष हैं ये पुरुष हैं आपको पुरुष नहीं दिखाई दे रहे सब तो पुरुष हैं यहाँ पे एक आपके अलावा आप ही स्त्री हो okay. बाकी तो सब पुरुष है वो और जोर जोर से हंसने लगी तो उस आदमी को क्रोध आया हाँ. तो उसने आसपास खड़े लोगों को बोला अरे भाई सुनो देखो क्या कह रही है हाँ. कह रही है, हम पुरुष नहीं है हम सब हैं है हुँ. तो सब आए अब वो जोर जोर से चिल्लाने लगे कि क्या बकवास कर रहे हो क्या बोल रहे हो वो तो होना ही था तो सब आ गए जब इतना हो हल्ला होने लगा तो जो मेन प्रमुख थे वो भी आ गए बाहर की भाई क्या बात हो रही है क्यों चिल्लाया जा रहा है तो उन्होंने कहा कि ये ऐसा कह रही है यहाँ पे कोई भी पुरुष नहीं है सब यहाँ पर स्त्री पुरुष है ही नहीं यहाँ कोई तो वो भी क्रोधित हो गए उनके भी ईगो पे आ गई बात कि कोई आपको यहाँ कोई पुरुष ही नहीं दिख रहा तो उन्होंने कहा आप नजर उठा के देखे आपको कोई पुरुष दिख रहा है तो उन्होंने देखा उन्हें कोई पुरुष नहीं दिखा सब थी सब गोपियां थी उन्होंने स्वयं को देखा वो खुद भी गोपी थे उन्होंने बाई के पैर पकड़ लिया बोले आप कौन हो इतने बड़े सत्य का बोध आपने करा दिया आप कौन हो तो उन्होंने कहा मैं मीरा हूं उनकी भक्त हूँ उनके दरस को आई हूं तो उन्होंने कहा एक बात बताइए आपको यहां कोई पुरुष नहीं दिखा तो बोले दिखे ना बोले कौन बोले इस दुनिया में सिर्फ एक ही पुरुष है और वो है श्री कृष्ण hmm. wow. अभी जो छोड़ दो स्टोरी <laughs> <laughs> जो पॉडकास्ट में दीवानी ऑडियंस तो डेफिनेटली <laughs> वाओ wow. ये सत्य हैं और शायद ये ऐसी चीजें हैं जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि हम जो उंगली उठाते हैं जो बार बार हमारे धर्म पर हमारे सनातन धर्म को हर बार एक कटघरे में लाकर खड़ा कर देते हैं और ऐसा कहते हैं कि ये ऐसा था ये ऐसा था ऐसा है तो ऐसा क्यों है ये है तो ऐसा क्यों है मतलब तो इतने तर्क वितर्क कुतर्क चलते हैं तो उन सब चीज़ों पर मुझे लगता है कि जब आप अपने आप को दिल से कनेक्ट करेंगे जी मुझे एक बात आज तक वरुण समझ में नहीं आई मैं आपसे उल्टा सवाल पूछ रही हूँ लेकिन आप भी और आप सब भी जो सुन रहे हैं आप सब मुझे एक बात बताइए मेरे लिए भक्ति समर्पण है समर्पण ही प्रेम है और प्रेम ही सत्य है और सत्य ही ईश्वर है चेन यही है जी। ठीक जब आपने अपने आप को किसी को समर्पित कर दिया हम किसको समर्पित कर पाते हैं अपने आप को जिसे हम अपने से बड़ा मान लेते हैं जैसे हम अपना आइडियल मान लेते हैं हम ये मानते हैं कि उसके अंदर वो है जो हमारे अंदर नहीं है तो जब हम किसी को अपने आप को समर्पित करते हैं मतलब हम उसके भक्त हो जाते हैं जरूरी नहीं है भगवान किसी के भी हाँ। लोग इंसान इंसान के भी भक्त है, है ना जी बहुत सारे लोग हैं जो जिम जाते हैं तो वो उन लोगों को बहुत फॉलो करते हैं उनके भक्त हो जाते हैं जो डाइट चार्ट हाँ है जिनका डाइट चार्ट ऐसा होता है वो है। ऐसा फॉलो करते हैं वो ये जिम में करते हैं जो भी होता है वो उनके भक्त हो जाते हैं तो आप किसी के भक्त तब हो सकते हो जब आप अपने आप को पूर्ण तरह से उनको समर्पित कर दो समर्पण की हाई स्टेज इज भक्ति ठीक इसी स्टेज में जब हम आगे 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 जाते हैं तो अंत क्या आ जाता है ईश्वर तो जब मैंने किसी को अपने आप को समर्पित कर दिया मैंने जब उसके उसको अपने से बड़ा मान लिया फिर ये तर्क वितर्क कुतर्क कहां से आ गए hmm. मेरे अंदर दिमाग कहां से आ गया जहां मैंने दिल लगाया था वहां मैंने दिमाग कैसे लगा दिया hmm. फिर आप कैसे कह सकते हो कि मैं कृष्ण भक्त हूँ आप ये बात गलत जैसे मैं आपको एक चीज बताती हूँ मैंने आपके लास्ट पॉडकास्ट में एक बात कही थी कि काली का ही रूप कृष्ण है अब किसी ने मुझसे कहा मैं कृष्ण भक्त हूं मैं इस चीज को साबित कर सकता हूँ कि आपकी ये बात असत्य है और आपको बहुत पढ़ने की जरूरत है ओके okay. आपको बहुत गुरुओं के पास जाने की जरूरत है और मैं अपने हर पॉडकास्ट में ये बोलती हूँ मेरे सबसे बड़े गुरु मेरे ठाकुर जी स्वयं हैं अब वो मीरा बाई की तरह आप भी अगर मुझे आजमाना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पे पुरुष कौन है और स्त्री कौन है तो बिल्कुल आ जाइए मैं आपको दिखा दूंगी कि काली और कृष्ण कौन है क्योंकि ये ज्ञान मुझे किसी व्यक्ति ने किसी किताब में से पढ़कर नहीं दिया है ये ज्ञान स्वयं मेरे गोविंद ने मुझे दिया है मैं एक बारी को किसी व्यक्ति का दिए हुए ज्ञान पर शंका कर कर आपको प्रणाम करके ये कह सकती हूं कि हाँ आप शायद बड़े होंगे आप सही बोल रहे होंगे लेकिन जो चीज मुझे मेरे गोविंद ने डायरेक्ट बताई है मैं उसको तो नहीं ठुकरा सकती और आज नहीं कल नहीं शायद मैं इस दुनिया में रहूं नहीं ये पॉडकास्ट रहेगा ये यूट्यूब रहेगा जो बच्चे आज से अस्सी सौ साल बाद इस पॉडकास्ट को देखेंगे वो मेरी इस बात पर यहां कमेंट जरूर करेंगे कि इन मैम ने सही बोला था काली का अंश ही कृष्ण है ये बात सत्य हो चुकी है Goosebumps. Hmm. कई चीजें ना आपकी आत्मा को परमात्मा द्वारा प्राप्त होती हैं वो प्रमाणों पे नहीं चल सकता मैंने मैं पूछना चाहती थी आज पूछना चाह रही हूँ आपके hmm. माध्यम से वापस ये बात पूछना चाह रही हूं आप कृष्ण भक्तों के कृष्ण भक्त पर उंगली कैसे उठा सकते hmm. Makes sense. कृष्ण भक्त तो किसी आधार पे कभी चले ही नहीं वो तो सिर्फ अपने जी के प्रेम और उनके उस पर चले हैं कि हमारे गोविंद ने कह दिया वो वो बस बिल्कुल सही वो माखन भी चुरा रहे हैं ना तो भी वो हमारा गोविंद है हुँ। हुँ। हम उसके अंदर चोर देख ही नहीं रहे हम तो उसमें भी एक लीला देख रहे हैं वो मिट्टी खा रहे हैं तो भी हम उसके अंदर एक लीला देख रहे हैं तो हम जब उस भाव से उनके साथ जुड़ रहे हैं तो फिर आप इस चीज़ पर उंगली कैसे उठा सकते हैं तो ये कहानी आज मेरे सुनाने का उद्देश्य यही था कि मीरा बाई को भी ये चीज़ पॉइंट आउट करी गई थी और उन्होंने वो चीज़ दर्शा दी थी तो जिसको भी ऐसा लगता है तो कभी ना कभी कोई ऐसा मौका ज़रूर आएगा मैं ज़रूर आपको ये चीज़ दर्शा सकती हूँ दर्शाऊंगी जरूर क्योंकि ये मेरी भक्ति के ऊपर उंगली है और एक भक्त सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है अपने ठाकुर पर उंगली बर्दाश्त नहीं कर सकता वो गुरु है मेरा तो कभी मौका मिलेगा तो जरूर आपके इस सवाल को आपको प्रत्यक्ष में दिखाऊंगी कि क्या ऐसा था या नहीं था जी कभी मौका मिला तो आपको वो रूप भी दिखाऊंगी राधा रानी का भी एक संवाद है जो लोग वृंदावन जाते हैं या वृंदावन से जुड़े हैं तो वहां के लोगों से पूछिएगा राधा रानी का भी एक संवाद था जिसके अंदर उन्होंने माँ काली का किया था और वो नहीं आई ओके okay. बताइए उन्होंने माँ काली का आह्वान किया था पूजन किया था और वो नहीं आई तो क्यों उन्होंने कहा कि मैं तो ये बैठी तुम्हारे साथ oh. हाँ. तुम किसको बुला रही हो मैं तो ऑलरेडी तुम्हारे, तुम्हारे साथ, साथ बैठी तो देखिए बहुत सारी चीजें अब किसी ने इसको ऐसा रूप दिया कि इतनी महाभारत हुई इतनी वापस वापस कृष्ण लीलाएं हुई तो उसमें से एक बार जो कृष्ण थे वो काली बने थे ऐसा हमारे पुराणों में भी लिखा है और वो अब वो एक बार जो काली बने थे वो शायद ये ही था जब आखिरी था तो उंगली तब उठाइए जब आप उसकी गहराइयों तक पहुंच गए हो मैं यहाँ यूं ही नहीं हूँ मैं बहुत गहराइयों तक जाकर आई हूँ बचपन से इनफैक्ट आठ साल की उम्र से कुछ और किया ही नहीं है <laughs> कृष्णा कृष्णा जो दिल दुखाता है <laughs> वो ये होता है कि ट्रेंड फॉलो करके जो लोग भक्त बनते हैं और ट्रेंड में आ जाते हैं उनको फिर बेस नॉलेज पे आधार पे वो मिसलीड कर देते हैं वो चीज गलत है जो ये सारी चीजें करते हैं ना उनके लिए एक और बहुत बड़ा उदाहरण दे देती हूँ मुझे नहीं पता आपने इससे पहले वरुण कभी सुना या नहीं सुना लेकिन हाँ ये मैं वादा करती हूँ आपके पॉडकास्ट के अलावा इस पर कभी चर्चा नहीं हुई है ओके। आपको पता है खंडित मूर्तियां घर में नहीं रखी जाती कहीं भी नहीं रखी जाती किसी मंदिर में भी नहीं रखी जाती खंडित मूर्ति अशुभ माना जाता है अशुभ माना जाता है जब खंडित हो जाती है मूर्तियां तो कहते हैं तुरंत हटा दीजिए विसर्जित करिए और नई स्थापित करिए माँ काली का मंदिर है कलकत्ता में रामकृष्ण परमहंस जी ने जहां पर उनकी तपस्या की थी ओके okay. उस मंदिर के अंदर जो कृष्ण जी की मूर्ति है वो खंडित है उनका पैर खंडित है बताइए सच में वो खंडित है और वो हल्का सा खंडित हुआ था तो रामकृष्ण परमहंस जी ने ऐसा कहा कि अगर घर के किसी सदस्य को कोई चोट लग जाए या उसके साथ कुछ दुर्घटना हो जाए तो उसे घर से हटाया नहीं जाता तो उनकी आज भी उसी अवस्था में पूजा है तो जो भक्त होते हैं ना वो भाव के साथ भी होते हैं ज्ञान तो होता ही है पर भाव भी होता है जी भाव विभूर होके ही राम जी ने शबरी के झूठे बेर खा लिए थे शास्त्र देखने बैठते तो कत्ते ही ना खाते सही बात है कत्ते ही ना खाते सही बात बिल्कुल सही बात वाह विवर होकर ही श्री कृष्ण ने सुदामा के चरण अपने हाथों से धुलवाए थे एक एक मुट्ठी में तीनों लोग देने चले थे वो तो मां लक्ष्मी ने रोक दिया कह रहे रुको स्वामी क्या कर रहे हो तो देखिए जो भगवान के भक्त है ना वो सारा ज्ञान रखते हैं सब कुछ है लेकिन कहीं ना कहीं उनके भाव सर्वोपरि होते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो भक्तों को उनके भगवान द्वारा प्राप्त हो जाती है जब कोई इंसान मेरे सामने नहीं है किसी इंसान के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है उस व्यक्ति का सिर्फ एक नाम जो लोग आते हैं मेरे पास आप उनसे एक्सपीरियंस पूछिएगा आप खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इस चीज का मैं और कहा ऐसे होता दिस वॉज जब मैं फर्स्ट टाइम मिला था एंड पॉडकास्ट खत्म हुआ फिर हम <laughs> चाय पी रहे थे एंड मैंने बस इतना पूछा था कि मैम मेरे बारे में कुछ बताओ कृष्ण जी क्या कहते हैं एंड मैम थोड़ा सा ऐसे जोन में गए थे आप एंड उसके बाद आपने बोला था अ से नाम पूरा लास्ट में जब जब आप ऐसे थे तो आपने कहा था अ से नाम बताया कि अ से कोई है जिनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं और ये आपकी मम्मी के साइड से हैं और मेरी मम्मी के साइड से कोई भी नहीं था अ से मैंने आज तक किसी को मैं जानता ही नहीं जो मेरी मम्मी के साइड से से हो उसके बाद मैं गया घर पे जाके मैंने पूछा कि मम्मा मेरे को फर्स्ट मीटिंग भी थी और मैं इतने सारे एस्ट्रोलॉजिस्टिस से मिला था तो मेरे को लगा था कि यार चलो ठीक है बता दिया होगा ऐसे होता होगा तो मैंने कुछ डिसरेस्पेक्ट ना करते हुए मैंने कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं करी उसके बाद मैं जब घर में जाके मैंने मम्मा को बताया तो उन्होंने मेरे को बताया कि उनकी एक मासी थी जो मम्मी के भी पैदा होने से पहले ही उनकी डेथ हो गई थी और उनका नाम था अनसुईया मासी और जब ये मेरी मम्मा ने अपनी सिस्टर से डिस्कस किया जो मेरी मासी से डिस्कस किया सब इतने हैरान थे और बिर को फिर वापस कॉल आता है और मेरे को फोटो भी दिखाई आई गेस मेरे पास होगी मैं आपको दिखाऊंगा उन्होंने को भेजी और बोला कि ये अनसुया मासी थी जिनकी काफी पहले ही डेथ हो गई थी और आई वाज लाइक कि भाई मैंने फोटो नहीं देखी है लेकिन मैं आपको बता देती हूँ उनके लेफ्ट साइड में चेहरे के लेफ्ट साइड में पक्का एक कोई मार्क है <laughs> 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 भगवान मैंने सच में मम्मी कैसा मैंने कोई फोटो नहीं दिखाई अभी तक और मैं फोटो लगा दूंगा कि, क्योंकि मैं मेरे को भी अभी याद नहीं आ रहा है आपके ऑडियंस को यह बताना चाहती हूँ कि जब एक इंसान मेरे सामने बैठा है जिसने मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताया और ठाकुर जी मुझे उसके बारे में बता रहे मैं कौन हूँ मेरी औकात मेरी बिसात क्या है किसी को कुछ बता देने की मैं एक नॉर्मल हाउस वाइफ हूँ जिसके दो बच्चे पति है छोटा सा घर गृहस्थी है थोड़ा बहुत का नॉलेज है तो ना मेरे सामने कोई कुंडली खुली है ना कुछ खुला है ना मैंने कोई सिद्धि कर रखी है मैं यहां बैठे बैठे अगर आपको कोई चीज इंडिकेट कर रही हूं बता रही हूं तो इसका मतलब मेरे ऊपर कोई तो खड़ा है जी। ठीक और अगर वो मुझे किसी व्यक्ति विशेष के बारे में इतनी छोटी बात बता रहे हैं तो आप सोचो कि ये बात कैसे झूठी हो सकती है जो उन्होंने अपने बारे में मुझे बताई है और उन्होंने मुझसे साफ ये कहा है कि तू ऐसा ही मंदिर निर्माण करेगी जो हमने पिछले पॉडकास्ट में जी हे प्रभु एनीवेज <laughs> हम वापस से आ जाए एक दो 2024 चौबीस के चौबीस क्या कह रहे हैं कृष्ण जी क्या कह रहे हैं 2024 के लिए <laughs> एक बार या ये लास्ट में बताना दिस विल बी मेगा रेमेडी मैं आपको साफ बता दूं मैंने आपके सामने है मैं सुबह से आपके साथ ही बैठी हूं जी मैंने कोई पेपर नहीं उठाया कोई फोन नहीं खोला मैंने कोई रेमेडी नहीं पढ़ी कहीं से भी मैं जो भी बताती जा रही हूँ या जो भी चीजें हैं सुबह मैंने ठाकुर जी को ये कह दिया था कि मेरा पॉडकास्ट है आपको आना है और जो सबसे बेस्ट चीज हो आप मुझे वो निकाल कर देते ना तो यही है हाँ <laughs> तो उधर से जो आता जा रहा है मैं आपको इंस्टेंट जवाब देती जा रही हूँ मैं रुक भी नहीं रही हूं हाँ। मैं कह भी नहीं रही हूँ कि अच्छा रुको मैं जरा देख लू नहीं ठीक है तो जो चीज उधर से आ रही है मैं आपको पास ऑन कर रही हूँ आई डोंट नो मैंने आपसे पूछा है पॉडकास्ट में या नहीं बट जब आपको वो बोलते हैं या बताते हैं तो आपको कैसे दिखती हैं चीज़ें लाइक like, मूवी की तरह दिखती है आवाज़ आती है या पैटर्न दिखते हैं कैसे पता लगता है बिकॉज मैंने जब भी आपसे पूछा कुछ कि आप कृष्ण जी से पूछ के बताओ तो आपकी मैंने आँखें बॉडी लैंग्वेज थोड़ी नोटिस करी सॉरी आप ऑफेंड मत होना बट मैं एग्जैक्टली exactly वही बता रहा हूँ जो मैंने नोटिस करा कि आप थोड़ा सा ऐसे सबकॉन्शियस होते हो आपकी आंखें ऐसे सोच में चले जाते हो जैसे काइंड ऑफ कि कोई सोच रहा हो गहरी सोच में और फिर आप एकदम से उसी समय बोल रहे होते हो और फिर आप नॉर्मल जोन में आते जैसे अभी हो और फिर आप उसको और क्लैरिटी से बताते हो तो वो वो जोन क्या है आवाज आती है आवाज सुनाई दीदी कैसी आवाज है उनकी बहुत प्यारी हम हम, हम कोई भी जरिए हम सुन डेफिनेटली अगर मुझे उनकी इजाजत मिलेगी तो मैं आपको कभी सुनाऊंगी चलो ये भी ब्लेसिंग मेरी और आ, audience भी और की जी ये? कभी सुनाऊंगी अगर वो लेकिन मैं सार्वजनिक हाँ, <laughs> <की लीला है. laughs> बार, बार, बार बार आप यहाँ आ रहे हो और ऑडियंस को मैं ये बता दू की यहाँ पे आने का मतलब है टाइम को भूल जाओ क्योंकि हम सुबह से बैठे हुए हैं और हम रिकॉर्डिंग कोर्स हम पॉडकास्ट एक घंटा दो घंटा मैक्स बनाते हैं क्योंकि ऑडियंस का एक पॉडकास्टर का एज अ पॉडकास्ट मैं बिजनेस कर्म योग को देखते हुए करूं तो मेरे को ये सारी चीज़ों को भी नोटिस करना पड़ता है कि बहुत लेंदी ना हो ये ना हो वो ना हो बहुत सारी चीजें होती हैं बट मैं बहुत बातुनी हूँ और मैं और ज्यादा हाँ तो हम ऑफ कैमरा इतनी बातें कर लेते हैं और उसमें से मेरा इतना मन होता है कि काश चौबीस घंटे हम रिकॉर्ड हो रहे हो मैं तो कह रहा हूँ लाइव चला दो हमारे को पूरा चौबीस घंटे हमारा कंटेंट नहीं खत्म कंटेंट okay. भी नहीं कहूंगा हमारी बातें नहीं खत्म चलो यूट्यूब पे एक बार ये भी वर्ल्ड uh, रिकॉर्ड बनाते हाँ चौबीस घंटे चौबीस लाख कृष्ण जी की बातें हाँ, <laughs> तो आगे बढ़े आगे बढ़े <laughs> हम ऑन टॉपिक जाते हैं ऑफ टॉपिक बट पता नहीं ओके okay, सो so, हम ऑन ट्रैक हो जाते हैं और ऑफ ट्रैक भी जो हमने फिगर आउट कर पाए आज तक सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सारे लोग पैसों से रिलेटेड की कर्जे में चढ़ जाते हैं हम इसके बारे में बाद में आएंगे कि पैसे कमाए कैसे और जो कमा रहे हैं उसमें प्रोग्रेस कैसे करें पर अभी उन लोगों की बात करते हैं जिन पर जिन्होंने कर्जा बहुत दे दिया या फिर उठा लिया उनका कुछ नहीं हो रहा 2024 में ऐसे लोग जो बहुत रिस्क का काम कर रहे हैं जैसे कि सट्टा मार्केट हो गया जैसे कि शेयर मार्केट हो गया आ, बहुत सारे लोग गैमलिंग भी करते हैं ऐसे लोगों के लिए ना ये साल बहुत ज्यादा परेशानी वाला है ओके। okay. मतलब ये आपको देगा तो सही ऐसा नहीं कि आप नहीं कमा सकते या आपको प्रॉफिट नहीं मिल सकता बिल्कुल मिल सकता है लेकिन ये एक झटके में जितना आप अर्न करोगे ना उससे ज्यादा लेकर चला जाएगा ब्लैक होल बन के आएगा ये साल उन लोगों wow. के okay. जो रिस्क पर काम करना चाहते हैं ये साल केवल उन लोगों के लिए अच्छा है जो संयम में रहकर प्रैक्टिकली और साथ ही साथ में अपनी चीजों को व्यवस्थित रखकर पैसा कमा सके जी। जो जितनी ज्यादा रिस्क कैपेसिटी लगेगा कि भैया मैं ले लेता हूं कोई दिक्कत नहीं है देखा जाएगा वो ये समझ लीजिएगा एक मिनट में ऊपर से नीचे आएगा ओके। ठीक है संयम से चलिए धीरे धीरे चलिए कछुआ बन के चलेंगे तो ये साल आपको इतना दे के जाएगा, इतना दे के जाएगा, जाएगा। देखिए धन धन एक दिन दिन में में या दो दिन में नहीं आता। धन को कमाने के लिए बहुत समय लगता है जी, ठीक है और मैं अगर आपसे ये कहूं कि आप अगले साल अरबपति हो जाएंगे या आप खरबपति हो जाएंगे तो ऐसी कोई घुट्टी किसी के पास नहीं है लेकिन समय ऐसा आता है जो आपको वो अरबपति बनाने के लिए एक आपका स्तर खड़ा कर जाता है 2024 आपके लिए वही प्लेटफॉर्म है वही किक है जी जो आपको आने वाले टाइम में अरबपति बना देगी बशर्ते आपको स्मार्ट वर्किंग सीखनी पड़ेगी आपको काम पर फोकस्ड होना पड़ेगा आपको अपनी चीजों को लेकर बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन लेने पड़ेंगे और आपको संयम रखना पड़ेगा हम्म जी जो शनि के है। बिल्कुल मेक सेंस। और सबसे बड़ी चीज विदाउट एडवाइस एडवाइस के अंदर बहुत सारे जने आते हैं जैसे कि सीए भी आपका एडवाइजर है वकील भी आपका एडवाइजर है आपके अपने घर के लोग भी आपके एडवाइजर है पिता गुरु सब तो आप बिना एडवाइस मत चलिएगा ओके। okay. जो लोग नए वेंचर्स खोलना चाहते हैं, जैसे कि खाने पीने का काम खोलना चाहते हैं जो लोग कपड़े से रिलेटेड काम खोलना चाहते हैं उन लोगों को ग्रोथ तो मिलेगी लेकिन बहुत धीरे धीरे मिलेगी हुँ. तो वो जितना संयम के साथ काम कर पाएंगे एफर्ट्स जितने ज्यादा डाल पाएंगे उनको उतना बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा देखिए एक चीज होती है बेटा आप स्ट्रगल कर रहे हो जी ठीक है और आपका स्ट्रगल जीरो है मतलब आपने जितना स्ट्रगल किया एंड ऑफ द डे उसका रिजल्ट इज जीरो एक होता है स्ट्रगल विद सक्सेस हमने हाथ पैर तो बहुत मारे हमने स्ट्रगल तो बहुत किया लेकिन हमें सक्सेस भी उतना ही मिला जी ये साल आपके लिए वही है ओके ठीक है तो जिन लोगों के ऊपर बहुत सारे कर्जे है पहले से जिन लोग जो लोग ऑलरेडी कर्जों में आ चुके हैं उन लोगों को इस साल सबसे पहले तो दान पुण्य और धर्म को बढ़ा देने की जरूरत है okay. क्योंकि शनि देव है ना हाँ. न्याय के देवता आप जितना ज्यादा अच्छे कर्म करेंगे जितना आप अपने जीवन में अच्छाइयों को लेकर आएंगे आपको इतने ही मेरिकल सामने होते हुए नजर आएंगे hmm. ठीक है okay. तो सबसे पहले तो दान पुण्य करना स्टार्ट कर दीजिए अच्छे से अच्छे अच्छे कर्म करना चालू करिए हॉस्पिटल्स में फ्री दवाइयां देना चालू करिए ठीक एक मंगल ऋण हरता स्त्रोत्र होता है जिसको मंगलवार को घी का दीपक जला के संध्या के बाद आपको बैठकर ग्यारह बार पढ़ लेना है okay. उससे भी आपका कर्जा उतरने लगता है शनिवार के दिन आप अपने हाथ से थोड़ी सी सब्जी बनाएंगे कैसी सब्जी आप बनाएंगे बैंगन की सब्जी सरसों के तेल में ठीक है जी ठीक है और साथ में पुड़ी तलेंगे और वो आप ले जाकर लोगों को खिला देंगे ठीक है इसी के साथ में लेकिन ये रेमेडी अधूरी है इसी के साथ में आपको एक काम और भी करना पड़ेगा जब आप ये कार्य करेंगे उसके बाद शाम को आपको शनि मंदिर में जाकर सात लोहे की कील चढ़ाकर आनी है सात, ओके, ठीक है ये करने से क्या होगा कि आपका जो छठा भाव यानी कि आपके का भाव जो एक्टिव हो गया है, वो आपका किसी तरीके से बंद हो जाएगा खुल जाएंगे कर्जे हट जाएंगे आपके लिए और नया चीजों के स्रोत खुलेंगे आपकी लाइफ में पैसे आने के नए रस्ते आ जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें आपके सामने आने लगेंगी नेक्स्ट पे चलते हैं जो लोग बिजनेस कर रहे हैं जो लोग अपना यूट्यूब कुछ भी कर रहे हैं जैसे मैं भी हो गया इसमें बहुत सारे लोग स्टार्टअप कर रहे हैं और कहीं ना कहीं से हाउस वाइफ ट्यूशन पढ़ा रही हैं कुछ भी कोई भी बिजनेस कर रहे हैं और एक पेस पे चल रहा है या फिर ग्रो कर रहा है उसको अगले साल कैसे बढ़ाएं और उसमें कैसे और धन की प्राप्ति करें और उसको कैसे और ऊंचाइयों तक लेके जाएं इसके लिए क्या रेमेडीज होंगी सिलबट्टा होता है ना आजकल तो हम मिक्सियां यूज करने लगे सबके घरों में सिलबट्टा होता हाँ। ही है नहीं है तो ले आइएगा सिलबट्टे के ऊपर गुरुवार के दिन जी आपको सिलबट्टे के ऊपर एक चम्मच हल्दी डाल के थोड़ा सा दही और थोड़ा सा बेसन डाल के आपको उसको अच्छी से मिक्स कर लेना है ये क्रिया है। आपको करनी लेकिन सिलबट्टे में तभी ये का, कारगर होगी हाँ। ये सारी चीजें जब आपने मिक्स कर ली तो आपको एक छोटा सा मिट्टी का पात्र ले लेना है उसमें ये तीनों चीजें रख देनी है जी। ठीक है उसके बाद में आपको इसके ऊपर थोड़ा सा केसर की पत्तियों को डाल देना है एक दो तीन जैसे भी आप डाल सके आप केसर की पत्तियां डाल दीजिएगा उसके बाद हम इसको मिट्टी के पात्र में रख के और इसे ले जाकर हमें किसी भी मंदिर के बाहर जो पेड़ होते हैं ना वहां पर रख कर आना है जी। ठीक है ऐसा आपको सात गुरुवार कर लेना है अपने आप जितने भी हर्डल्स होंगे जितनी भी नेगेटिविटीज होंगी आपके काम में जो भी अवरोध आ रहे होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे हम्म ओके ऊंचाई पे जाएगा अगले साल इसके साथ अगर आप एक काम और कर सकें कि आप शुक्रवार के दिन राधा रानी के मंदिर में जाकर उन्हें पीला चंदन भेंट कर सके कोई दिन भी शुक्रवार शुक्रवार कोई ठीक है गुरुवार को आपने ये किया शुक्रवार को ऐसा कर लीजिए ठीक है परफेक्ट ऑलमोस्ट हमने सारे ही कवर कर लिए और रेमेडी का कोई काउंट नहीं है तो प्लीज आप कमेंट करके बता देना कि हमने कोई मिस कर दिया तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे हाँ जो हमने प्रॉमिस किया और अगर हमने एक्स्ट्रा बता दी तो आपके लिए अगले साल में भी बहुत कुछ फिर एक्स्ट्रा आएगा बट आई वॉन्ट कि आप कुछ सुपर रेमेडीज दे दीजिए क्योंकि शनिदेव जी का साल है और ओवर टू यू मैम आप बताइए देखिए सबसे पहली रेमेडी तो मेरी यही है कि इस साल में बहुत ज्यादा बेवजह जूते चप्पल मत खरीदिएगा okay. उतने जूते चप्पल लीजिएगा आप एक्स्ट्रा सिर्फ शौक के लिए जूते चप्पल मत खरीदिएगा अदरवाइज ये मेरी बात सुनहरे अक्षरों से लिख लीजिएगा जड़वा के अदरवाइज hmm. आपको आने वाले सालों में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और आपको इसका रीजन नहीं पता होगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है कुंडली एकदम ठीक है महादशा एकदम ठीक है सब कुछ ठीक है ये क्या हो गया अचानक से फिर आप घूमेंगे कि तंत्र मंत्र हो गया भूत प्रेत हो गया नहीं ये ये हो गया इस चीज को ध्यान रखिएगा जितनी जरूरत है दो जोड़े की जरूरत है दो ले लीजिए चार की जरूरत है चार लीजिए ले लेकिन आप ऐसा मत करिए कि मैं हर ड्रेस के साथ एक जूता चप्पल अननेसेसरी नहीं शनि को शुक्र के साथ मिक्स मत करिए ठीक है ठीक है जरूरत एक अलग चीज है लेकिन उसमें भोग मत लाइए एक चीज दूसरी चीज ये है कि इस साल के अंदर आप जितनी अमावस्याएं आए हर हर महीने की एक अमावस्या होती है जितनी अमावस्याएं उसको आप सप्त धान सात तरह के अनाज जितना आपका मन करे जितनी आपकी इच्छा करे आप एक बॉक्स के अंदर बंद करके रख लीजिएगा ठीक है ठीक है जैसे आज हम है मैंने एक कटोरी सप्तधान ले लिया और मैंने उसको उस बॉक्स के अंदर बंद कर दिया ये बॉक्स या तो आपका लोहे का होगा ठीक है या फिर आपका स्टील का होगा इसके अलावा किसी धातु का या प्लास्टिक का ऐसा नहीं होगा जी ओके आपने बंद कर दिया बंद करने के बाद जैसे ही रात हो जाए मतलब थोड़ा सा अंधेरा, अंधेरा हो जाए आप इसके ऊपर एक घी का दीपक जला देंगे ठीक है ठीक है अमावस किसी भी दिन आए आने दीजिए आप ये कार्य करेंगे ओके। ठीक है अब अमावस चली गई रात भर वो वैसा ही सब कुछ रखा रहा अगले दिन वो जितना भी आपका अनाज था वो आप ले जाकर चौराहे पर डाल दीजिए उसे पशु पक्षी खा लेंगे या जिनको भी खाना है वो खा लेंगे ऐसा करने से आपका पुण्य दस नहीं हजार गुना बढ़ेगा वाओ ओके सूपर रेमिडी। सूपर रेमिडी। सीधी। सीधी, वा, <laughs> okay, सुपर रेमेडी सुपर रेमेडी ठाकुर जी द्वारा सीधी वैकुंड सीधी वाईफाई के थ्रू Okay, बड़ी अजीब बातें लगती होंगी ना सबको हाँ, लगता है कि बस बहके भी हैं दो बंदे <laughs> जो सेंसिबल बातें कर रहे हैं चलो कोई बात नहीं आ, लोग दारू पी के बहक के बातें करते हैं हम तो फिर भी कृष्ण नाम का रस पीकर बहक बातें कर रहे हैं परफेक्ट लास्ट फिर लाता हूँ इसको क्योंकि फिर अगर हम हम मैं अगर रोकूंगा नहीं तो ये कभी रुकेगा ही नहीं ये सिलसिला ऐसा है <laughs> तो मेरे को पॉडकास्टर धर्म निभाते हुए इसको रोकना पड़ेगा जी। और लास्ट सवाल ये सेकंड लास्ट सवाल ये कि कृष्ण जी अभी <laughs> है यहाँ पे और वो क्या कह रहे हैं क्योंकि आई फील बहुत सारे ब्लेस्ड लोग हैं जो ये कॉन्वर्सेशन सुन रहे हैं बहुत सारे लोग हैं जहाँ तक ये पहुंचेगी नहीं तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप शेयर करें बट जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए डायरेक्ट कृष्ण जी अभी आपको क्या कह रहे हैं देखिए ये जो साल आएगा ना आप लोगों के लिए ये आपकी बहुत सारी चीजों पर से पर्दा हटाएगा आपकी आंखों पर से भी पर्दा हटाएगा आपके विचारों पर से भी पर्दा हटाएगा और बहुत सारी सच्चाइयां आपके सामने लाएगा हुँ. आप जिस भ्रम में चल रहे थे आप जिसे क्या बोलू मैं एक ऐसी दुनिया के अंदर चल रहे थे जहां इल्यूजन, आप एक ऐसी दुनिया के अंदर चल रहे थे जिसमें आप सत्य का सामना ही नहीं कर पा रहे थे हाँ। कोई आप, आप तो अच्छा इमोशनल को नहीं हो सकता तो ये साल ना बहुत सारे लोगों की सच्चाइयां आपके सामने लेकर आएगा ओके। ठीक है पर आपको इस साल के अंदर इन चीजों का दुख नहीं मनाना बल्कि अपने को ब्लेस्ड मानना है कि आपको समय रहते बहुत सारी चीजें पता लग बला हट गई बलाहट गई गई ठीक दूसरी सबसे बड़ी चीज आपको जो ध्यान रखनी है इस साल में अपने लोगों के साथ अपने ही परिवार अपने ही लोगों के साथ वाद विवाद बढ़ जाएंगे ओके ठीक है वाद विवाद बढ़ जाएंगे अपने ही घर के लोगों के साथ जी। भाई भाई को लेकर एलिगेशन लगा देंगे जी। घर के लोग ही एक दूसरे को कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे मिसअंडरस्टैंडिंग मिसकम्युनिकेशन बहुत फैलेगा इन चीज़ों को रोकने की बहुत आपको जरूरत है थोड़ा सा जो रेमेडीज आपको बताई है मैंने जो चीजें बताई हैं उनको फॉलो करिए कुछ समझ नहीं आए तो हनुमान बाबा की सेवा करिए और अगर आपसे वो भी नहीं हो पाता आप वो भी नहीं कर पाते तो एटलीस्ट आप सुबह शाम जब आपको समय मिले तब आप जय श्री राम जय श्री राम ही कर लीजिए। करें। ओके, okay, परफेक्ट। और लास्ट सवाल मेरा सबसे यही रहता है बट आपसे थोड़ा डिफरेंट होगा आज <laughs> थोड़ा सा ब्लेसिंग्स लेते हुए या थोड़ा सा एडवांटेज उठाते हुए कि मैं क्या कह रहे हैं ठाकुर जी मेरे को अगले साल साल के लिए लिए देखो आपके लिए अगला बहुत अच्छा आएगा बहुत सारी ऑपरचुनिटीज लेके आएगा और आपका ना कहीं ना कहीं डाइवर्जन होगा ओके okay. मतलब ये वाला परिवार तो जो आपका चल रहा है वो चल रहा है लेकिन आप कुछ नए चीजों में भी अपने आप को जोड़ोगे और ये अभी नहीं ठाकुर जी ने बताया ये मुझे बहुत देर पहले बता दिया था और मैं सोच रही थी मैं आपको कैसे बताऊंगी लेकिन अब आपने ठाकुर जी को शामिल कर लिया और आपने ये बात कह दिया कि बोलो तो मेरी बात का बुरा मत मानना और शायद इसीलिए ठाकुर जी बता रहे हैं कि आप अवेयर रहो आपका कोई बहुत खास इंसान इस साल आपको छोड़कर जाने वाला है ठीक है तो आप ना थोड़ा सा अपनी डिपेंडेंसी जो है वो ज्यादा और लोगों के साथ मत जोड़ो okay. कहीं ऐसा ना हो कि आपको उसकी वजह से कहीं बहुत हानि हो परफेक्ट hmm. अब नहीं होगी कृष्ण जी ने कह दिया परफेक्ट थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच राधे 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 थैंक यू सो मच